है हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप एंड ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यकीन के ऊपर तो कैसे हैं आप सब प्लीज एक बार चैट सेक्शन के अंदर बता दीजिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही बेसिक लेवल का चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टेक्निकली हमें सेल चैप्टर सबसे स्टार्टिंग में पढ़ना था लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं जो कि आपका NCRT का एकदम कोर सीक्वेंस है इसीलिए हमने पहले लिविंग वर्ल्ड को पढ़ा देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देन 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 प्लांट किंगडम को 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 बॉटनी में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड अब जाके हम लोग सेल को स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको सेल के काफी सारे आस्पेक्ट बहुत क्लियरली समझ में आ रहे होंगे क्यों क्योंकि आपने यहां पर ऑलरेडी क्या कर लिया है आपने सिस्टमैटिक्स को समझ लिया है तो प्लांट के अंदर किस प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है है ना आपका मोनेरा का सेल कैसा होता है प्रोटिस्टा का सेल कैसा होता है फंगस का सेल कैसा होता है फंगस की सेल वॉल कैसे होती है इन सारी चीजों की जानकारी आपको पहले से ही है तो अल्टीमेटली इस चैप्टर को समझना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा एंड यहां पर आप जो जानकारी जुटाएंगे आप जो इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे सबसे ब्रिलियंट बात यह है कि आप उसे किसी भी चैप्टर के अंदर इंप्लाय कर सकते हैं तो ये जो चैप्टर्स होते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये आपके हर जगह काम आते हैं तो इनको बहुत प्यार से समझेंगे बहुत आराम से समझेंगे कोई भी टेंशन नहीं लेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक एक वर्ड को डिकोड करते हुए चलेंगे अपने दिमाग में एक्टिव रिकॉलिंग से मैं आपको हर एक घंटे में हमने जो भी पढ़ा है उसका एक फ्लो चार्ट तैयार करवाता जाऊंगा आपके दिमाग के अंदर ही जिससे कि आप सारी चीजों को रिलेट कर पाए और जब आप इस लेक्चर को छोड़ के जा रहे हो आपको एक संतुष्टि की भावना जो है अपने मन में देखने को मिले कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा डन हो गया है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अब नहीं जाने वाला है और पिछले पांच साल के एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व भी करने वाला हूं जिससे सारी बातें वैलिडेट भी हो जाए आपको खुद ही पता लग जाए कि हाँ भाई बहुत मजा आ गया है करेक्ट चलिए आई एम फ्रॉम अर्जुना टू पॉइंट हेमंत भाई वेलकम 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 ग्रेट ऑल राइट सो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं यहां से रिविजन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यकीन थ्री पॉइंट वेलकम दोस्त लक्ष्य नीट बैच वेलकम सैम रॉक वेलकम 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 गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ए जे टूडे इज माई बर्थ डे हैपी बर्थ डे ए जे गॉड ब्लेस यू अब हम लोग बिना टाइम जाया किए भरते हैं अपने चैप्टर की तरफ अगर सब लोग एक्साइटेड हो एकदम तैयार हो इस लेक्चर को पढ़ने के लिए तो एक बार फटाफट लाल कलर के दिल इन द चैट सेक्शन प्लीज सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए कि यू आर अबाउट टू रॉक टूडेज सेशन है ना फटाफट एक बार थम्स अप या फिर लाल कलर का दिल भेज दीजिए और हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अब सबसे पहले हमें यही जानना है कि वट इज सेल एकदम जनरल लेवल से हम चीजों को शुरू करेंगे कुछ भी चीज हम लोग स्किप नहीं करेंगे तो सबसे पहले अगर हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए यही जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया सेल आखिर है क्या सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज सेल तो आपको एक बार खुद के ही सेल्स का एक दौरा करना पड़ेगा आपका सबसे जो स्टैंडर्ड सेल है जो आप रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं जो इजीली अवेलेबल होता है वो कौन सा है अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो आपका चीक सेल जो है यह सबसे ईजिली अवेलेबल है आप जो है अंदर से चीक सेल निकाल सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो सबसे रेडिली अवेलेबल जो प्लांट्स होते हैं घर में जो वेजिटेबल्स मिलती हैं इनके सेल्स को आप इजीली ऑब्जर्व करते हैं तो अनियन पील सेल को हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं अब आपको पता है कि आपका पूरा शरीर चाहे आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ही क्यों ना हो एक प्लांट जिसकी हाइट 100 मीटर है उसमें ट्रिलियन से सेल्स ही क्यों ना हो लेकिन हम सबका जीवन जो है आपका एक सिंगल जाइगोट से शुरू हुआ था अगर हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अब ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पेरेंट्स के जो गैमीट थे यानी मेल पेरेंट का स्पर्म और फीमेल पेरेंट का ओवम जब ये फ्यूज हुए तो एक डिप्लॉयड सिंगल सेल हमें देखने को मिला अब अगर एक सिंगल सेल हमारे यहां पर जाइगोट के नाम से मौजूद है तो वो अब फर्दर डिवाइड करता हुआ चला जाएगा और आपकी बॉडी के सारे सेल्स तैयार करेगा राइट right? तो सेल क्या है एक डेफिनेशन जो हम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं वो ये है दैट इट इज द फंडामेंटल फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ अब इसके अंदर घुस जाओ इस डेफिनेशन के अंदर चलते हैं अब यह लाइन तो हमें बचपन से याद है लेकिन क्या हमने कभी इस लाइन को गहराई से सोचा है ये लाइन हमसे क्या कहना चाहती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी पहला शब्द तो आप यह पकड़ो लाइफ की बात हो रही है यानी सेल जो है यही आपकी लाइफ जो है इसको तैयार कर रहा है अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल कंटेन नहीं करता तो उसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते एंड दैट्स वाई हम लोगों ने एक एक्सेप्शन देखा था आपका वायरस का जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो एंड में हमने क्या देखा था वायरस देखा था वायरस इज आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग एज दे लैक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन भाई जाहिर सी बात है आपका जो वायरस था उसके अंदर खुद का सेल था ही नहीं वो तो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा था ये तो आपका एक ऑब्लिगेट पैरासाइट था ये तो आपके सेल के अंदर आकर के कुछ कर सकता है अदरवाइज खुद की इसकी कोई खासी सेल्यूलर आइडेंटिटी नहीं है उसमें खुद का सेल नहीं था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसको क्यों बोला भाई स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब आपके सेल्स जो है जुड़ जुड़ के आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं सो ऑल बिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर फॉर्मड फ्रॉम डिवीजन स्टार्टेड इन सिंगल सेल्ड जाइगोट एक जो आपका सिंगल सेल जाइगोट था उसमें जब डिविजन आपकी स्टार्ट हुई तो उससे आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स बने जो कि आपकी बॉडी का पूरा ढांचा तैयार करते हैं यानी जो कि आपकी बॉडी का पूरा का पूरा क्या तैयार करते हैं फ्रेम तैयार करते हैं सो so, अल्टीमेटली आपके जो सेल्स है वही जुड़ जुड़ के आपके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं एज वेल एज जितने भी फंक्शन हो रहे होंगे आपकी बॉडी के अंदर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर ऑल्सो अकरिंग इनसाइड सेल भाई जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये भी आपके सेल के अंदर ही टेक प्लेस करते हैं देयरफॉर ये आपकी फंक्शनल यूनिट भी कहलाती है तो क्या ये डेफिनेशन ठीक तरीके से हमें याद हुई इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया क्योंकि सेल ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे फंक्शन भी होंगे यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होंगे और यहीं पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरी बॉडी का तैयार होगा सेल्स ही जुड़ जुड़कर आपकी पूरी बॉडी तैयार करेंगे जिस प्रकार से एक ईंट जो है ये जुड़ जुड़कर आपका क्या करती है घर तैयार करती है तो अगर आप एनॉलॉजी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जिस प्रकार से एक ब्रिक है इसको आप लाखों बार रिपीट करेंगे तो ये क्या बना लेगी भाई ईंट जो है ये लाखों बार जुड़ करके आपका घर बना लेगी आपका घर बनाने के लिए लाखों ईंटे लगी हुई होंगी है ना हजारों ईंटे लगी होंगी तो ब्रिक जुड़ करके जिस हिसाब से आपका घर तैयार कर लेती है हिसाब से सेल्स जो है ये जुड़ करके क्या तैयार कर लेते हैं ये आपकी बॉडी तैयार कर लेते हैं इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट जो है है कहा गया so, सो तो सेल की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं तो इनको भी इफ यू वांट टू राइट डाउन देन यू कैन बेसिकली नोट देम क्योंकि बहुत बेसिक बातें हो रही हैं अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप सिर्फ रिव्यू कर लीजिए लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ तो आप नोट्स भी बना सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ऑलराइट राइट सेल जो है इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज रहती है आप देखिए क्या क्या कर सकता है सेल जो है ये एक तरीके से जुड़ सकता है आपकी पूरी बॉडी बनाने के लिए तो सेल जो है दे कैन यूनाइट दे कैन यूनाइट एंड मेक बॉडी ऑफ अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है यानी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं उसमें क्या होगा सेल्स जुड़ जुड़कर आपका मल्टी सेल्युलर पूरी बॉडी तैयार कर देंगे तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काफी सारे सेल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं बट समटाइम्स दे डो नॉट यूनाइट इवन यानी कई बार क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आपको देखने को मिलते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कंटेनिंग ओनली वन सेल उनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल आपका पाया जाता है देयरफोर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है देरफोर सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज देरफोर सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स Therefore, such organisms are called as unicellular organisms. Uni का मतलब होता है वन एंड सेल्युलर का मतलब होता है सेल तो अगर इनमें एक ही सेल है तो क्या ये अपने सारे काम खुद कर पाएंगे क्या एक सेल में ताकत होती है कि वो अपने सारे के सारे काम खुद कर पाए यस yes, ये ताकत इनके अंदर होती है तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या अपने सारे काम स्वयं कर सकते हैं है ना तो so, आप ये भी लिख सकते हो दे कैन परफॉर्म ऑल देयर एसेंशियल फंक्शंस ऑन देयर ओन ये खुद ही अपने सारे असेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं तो ये दो आपकी इंपॉर्टेंट यहां पर फीचर्स देखने को मिलती हैं। एक बार यहां तक मैं आपको रिवाइज करा देता हूं बहुत जनरल जनरल बातें कुछ आपको यहां तक सीखना है ही नहीं जनरल डेफिनेशन बताइए आराम से सुनिएगा देखिए सेल जो है ये क्या है ये आपकी पूरी बॉडी को तैयार करता है तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर इन सेल्स से ही जुड़ जुड़कर बना हुआ है प्लस सेल को क्या बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं क्या वो सारे फंक्शन सेल के अंदर ही हो रहे हैं यस yes. तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी का चाहे स्ट्रक्चर बना रहे हो चाहे आपकी बॉडी में फंक्शनल रोल अदा कर रहे हो ये सारी की सारी चीजें कहां होती हैं सेल के अंदर ही होती हैं तो यही आपकी बेसिक डेफिनेशन है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब आपको पता है कि काफी सारे ऑर्गेनिजमीलर होते हैं यानी इनमें एक ही सेल पाया जाता है और इन ऑर्गेनिज के अगर मैं आपको लिखने को बोलूं तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आप खुद बता सकते हैं मैंने आपको अभी तक पांच किंगडम्स पढ़ाई हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहली किंगडम और दूसरी किंगडम जो थी यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या इनमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे यस मैंने आपको क्या बताया था मोनेरा में यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जबकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोटिक कैरियोज हैं यानी आप कोई भी एग्जांपल ले लो किसी भी बैक्टीरिया का चाहे माइकोप्लाज्मा का चाहे पीपीएलओ का अगर प्रोटिस्टा के अंदर आप प्रोटोजोआ की बात करें चाहे क्राइजोफाइट की बात करें क्या ये सारी की सारी चीजें यूनिसेलर होंगी यस बिल्कुल होंगी तो अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल लिखना चाहो तो आप सीधा सीधा किंगडम का नाम भी लिख सकते हो भाई सारे के सारे आपके मोनेर यानी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स एंड ऑल प्रोटिस्टेंट्स सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स क्या ये सारे यूनिसेलुलर नहीं हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे एंड अगर आप देखें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात तो क्या आप मल्टी नहीं है हायर एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं अगर आप प्लांट की बात करें तो क्या कुछ एलगी तो छोड़ करके सारे बचे हुए एलगी ब्रायोफाइटोफाइट मल्टीसेलर नहीं है क्या सारे फंगस आपके मल्टीसेलर नहीं है बिल्कुल है। तो आपको बाकी सारी जगह अगर आप देखेंगे तो मल्टी सेल्युलर में अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो बहुत आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं है ना आपके हायर प्लांट्स लिख दो एंड एनिमल्स लिख दो या आपके मल्टी हो जाएंगे बिल्कुल अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो काफी सारे सेल्स हैं जैसे अगर आप हमारी ही बात करें हमारे अंदर हर काम के लिए कुछ सेल्स हैं अगर मुझे इस पेन को पकड़ना है तो क्या मैं अपने हाथ के जो सेल्स हैं इनको यूज कर सकता हूं यस मुझे अगर डाइजेशन करना है अपने फूड का तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है स्टमक बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ है इतनी सारी चीजें हैं यानी कुछ सेल्स मिलकर के टिश्यूज बना रही हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और मेरी बॉडी में सारा काम चल रहा है लेकिन समझ लीजिए अगर मेरे पास एक ही सेल होता अगर मैं एक यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया होता तो क्या मैं सारे काम नहीं करता बिल्कुल करता भाई जीने के लिए काम तो करना ही पड़ेंगे तो अगर मैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी होता तो भी मैं सारे काम करता तो अगर मैं ऑर्गेनिज्म हूं तब भी मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हूं तब भी मैं अपनी बॉडी में सारे के सारे फंक्शन खुद से कर सकता हूं यह बात हमने यहां तक सीखी है जिसमें कोई नई बात हमें अभी तक नहीं मिली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी को और यहां पर हम कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं तो यहां हमें थोड़ी सी नई बातें मिलनी स्टार्ट होंगी लेट्स टॉक अबाउट द साइंटिस्ट कुछ साइंटिस्ट के नाम हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं जिनसे रिलेटेड बातें हम लोग आगे भी कर रहे होंगे एंड यहां पर एनसीआरटी में इनका जिक्र भी दिया हुआ है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी साइंटिस्ट सेल की डिस्कवरी इन्होंने करी थी मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं यहां पे सवाल यही है कि सेल की डिस्कवरी करी थी मैं लिविंग सेल नहीं बोल रहा हूं मैं आपका डेड सेल नहीं बोल रहा हूं कि सेल की डिस्कवरी करी थी तो आप क्या बोलेंगे आप रॉबर्ट लेंगे आप रॉबर्ट है ना रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले क्या देखे थे डेड कॉर्क सेल्स देखे थे है ना इन्होंने क्या देखे थे डेड कॉर्क सेल्स देखे थे सबसे पहले तो अगर कोई बोले भाई डेड सेल सबसे पहले किन्होंने देखा तो रॉबर्ट हुक साहब ने देखा और ये डेड सेल्स थे यानी इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो था नहीं तो इन्होंने एक्चुअल में क्या देखा था रॉबर्ट हुक साहब ने एक्चुअल में जो प्लांट सेल था इसकी सेल वॉल देखी थी सो ही एक्चुअली ऑब्जर्व सेल वॉल एक्चुअली ऑब्जर्व द सेल वॉल रेदर देन अ लिविंग सेल अगर मैं बोलता हूं कि भाई लिविंग सेल सबसे पहले किन्ने देखा अब सवाल मैं आपका जस्टिफाई कर दे रहा हूं मुझे बताइए जिंदा सेल सबसे पहले किन्ों ने देखा तो उत्तर क्या हो जाएगा अब यहां पे एंटोन वॉन ल्यू हॉक एंटोन वॉन ल्यू हॉक साहब ने सबसे पहले क्या देखा आपका लिविंग सेल देखा इनको माइक्रोस्कोप बनाना और उनसे अलग अलग प्रकार के सेल्स को देखने का बहुत बहुत शौक था इन्हें सो ही फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा अगर हम बोले भाई आपका न्यूक्लियस सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया तो रॉबर्ट रॉबर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर भी आपके रॉबर्ट साहब ही हैं बट हुक नहीं है यहां पर यह है ब्राउन तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने आपका क्या किया ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस अगर आप चौथे साइंटिस्ट की बात करें तो यह वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया तो यह जो साइंटिस्ट है इनका नाम क्या होगा स्क्लेडन तो दो साइंटिस्ट थे जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में पहले थे आपके स्क्लेडन और दूसरे थे आपके स्वान तो आपके साहब जो थे ये क्या थे ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे यानी जर्मनी के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट यानी प्लांट पर रिसर्च करते थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने रिसर्च करी ऑन वेरियस प्लांट ऑर्गन हैव सीन वेरियस प्लांट्स एंड सेड दट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट में अलग अलग टाइप के टिश्यू होंगे है ना प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स दैट मेक्स डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन जाहिर सी बात है आपके अलग अलग प्रकार के सेल्स जो है यह पाए जाएंगे प्लांट के अंदर एंड वही आगे चल के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बना रहे होंगे जैसे लीफ आपका डिफरेंट है वही उसमें मीजोफिल सेल्स ज्यादा पाई जाती है स्टोमेटा पाया जाता है रूट आपके डिफरेंट है उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं स्टेम आपके डिफरेंट है वहां पर ट्राइकोम पाए जाते हैं तो रूट स्टेम और लीफ जब दिखने में अलग अलग है तो क्या थोड़े अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होंगे यस yes. तो यही बात आपके स्क्लेडन साहब ने कही जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे जाहिर सी बात है अगर बॉटनिस्ट हैं तो प्लांट पर रिसर्च करेंगे अगर ये बॉटनिस्ट थे तो प्लांट पर रिसर्च करेंगे तो इन्होंने सिर्फ प्लांट को देखा इन्होंने एनिमल्स को शुरुआत में नहीं देखा लेकिन अगले जो साइंटिस्ट हैं स्वान साहब इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों को देखा अब स्वान साहब जो थे स्वान सेल के बारे में आप कहां पढ़ते हो न्यूरोलॉजी में पढ़ते हो एनिमल में पढ़ते हो जूलॉजी में पढ़ते हो जाहिर सी बात है तो स्वान क्या थे ये आपके एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये आपके एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे है ना अगर जूलॉजिस्ट थे तो जूलॉजी में आप स्वान सेल को पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है एक लिंक आप बना सकते हो कि स्वान व जूलॉजिस्ट तो स्क्लेडन आपके बॉटनिस्ट हो जाएंगे ये जो जूलॉजिस्ट भैया थे हमारे इन्होंने क्या किया इन्होंने बेसिकली काफी सारे एनिमल्स को देखा ही ऑब्जर्व एनिमल सेल्स एंड लेटर प्लांट सेल्स और बाद में उन्होंने प्लांट सेल्स को भी देखा एंड लेटर प्लांट सेल्स और उन्होंने कहा कि भैया ये जो प्लांट सेल है ना इनके पास कुछ ऐसा है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं है प्लांट सेल के ऊपर क्या होती है प्लांट सेल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल लेकिन अगर आप देखेंगे एनिमल सेल्स के अंदर तो तो ये सेल वॉल नाम की लेयर नहीं होती आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है यहां पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती तो इन्होंने जब प्लांट और एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये बताया कि दोस्त सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जा रही है या एनिमल्स में नहीं होती और आपके जो एनिमल्स हैं इनमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है वहां सेल वॉल आपकी नहीं पाई जाएगी ये बात स्वान साहब ने कही और इन्होंने अब एनिमल और प्लांट दोनों प्रकार के सेल्स को देख लिया था तो इन्होंने एक हाइपोथिस दी कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं जो कि सत्य भी है आप भी अगर खुद को देखें तो आप सेल्स के ही तो मिलकर बने हैं ना और आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं यानी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आपकी बॉडी को जिंदा रखने में आपकी मदद करते हैं अगर सेल्स ने काम करना बंद कर दिया मेटाबॉलिक रिएक्शन करना बंद कर दी तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया होगा डॉक्टर आकांक्षा मैम ने आपको पढ़ाया होगा वहां पर आपने देखा होगा कि मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ लिविंग नाम का एक टॉपिक है जब तक आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है जब तक आपकी बॉडी में रिएक्शंस धड़ाधड़ धर चल रही हैं, तब तक ही आप जिंदा हैं। जैसे ही आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी अगर आप फिजिक्स में, तो हो। में देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर में चीज लेकिन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्विलिब्रियम इज नॉट एट ऑल आपके लिए इक्विलिब्रियम है एक पर line, आपके लिए है इक्विलिब्रियम आपकी मृत्यु यू नीड टू बी इन डायनामिक स्टेट आपकी बॉडी जो है वो लगातार निरंतर अगर काम करती रहेगी अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करती रहेगी तभी आप जिंदा रहेंगे अदरवाइज आप जिंदा नहीं रह पाएंगे तो यहां पर ये जो स्वान साहब हैं ही यानी इन्होंने अभी थ्योरी नहीं दी हाइपोथिस और थ्योरी में फर्क होता है हाइपोथी मतलब इन्होंने अभी सिर्फ कहा कि मैं वैलिडेट करूंगा आगे इट्स नॉट अ थ्योरी मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे प्लांट्स सारे एनिमल्स सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं ये मुझे लगता है ऐसा इन्होंने कहा ठीक है सो ही हाइपोथिसाइज अभी थ्योरी में कन्वर्ट नहीं हुई है ये बात ही हाइपोथिसाइज यानी इन्होंने हाइपोथिस दी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑफ सेल्स सेल्स एंड प्रोडक्ट इन्होंने इन्होंने हाइपोथेसिस दी ये बात कही कि भाई मुझे ये लगता है कि सारे प्लांट और एनिमल जो हैं जो धरती के ऊपर मौजूद है वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने होंगे फिर स्क्लेडन साहब भी सेम ही चीज पर रिसर्च कर रहे थे तो इन दोनों ने कोलेबोरेशन कर लिया इन दोनों ने कहा कि आओ मिल करके एक थ्योरी देते हैं पहले इस बात को प्रूफ कर लेते हैं यहां भाई सारे प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही बनते हैं फिर हम इसको आपकी हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे और इन्होंने किया भी ऐसा तो स्क्लेडन और स्वान साहब ने मिलकर क्या दी सेल थ्योरी दी इन्होंने आपकी बेसिकली ये बात कही कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होंगे बिना सेल के कोई लाइफ नहीं होती बट ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इनकी थ्योरी ये बात नहीं बता पा रही थी कि नए सेल्स कैसे जनरेट होते हैं नए सेल्स कैसे आते हैं तो यहां पर एक और साइंटिस्ट थे जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था रूडोल्फ विरको साहब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगले जो साइंटिस्ट हैं, इनका रोल बहुत अहम है सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने में तो इनका नाम क्या था रूडोल्फ विरको साहब रूडॉल्फ विरको साहब ने 1855 में यह कहा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब सेल से ही सेल बनता है यानी इसी बात को अगर आप सरल इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑल सेल्स एग्जिस्ट प्री एक्टिंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जितने भी नए सेल हैं ये पुराने सेल से बनते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखेंगे लेट से दिस इज अल ये एक सेल है और इसके अंदर रेफरेंस के लिए हम एक छोटा सा न्यूक्लियस बना लेते हैं तो ये सेल क्या करेगा भाई आपका डिवाइड करने की कोशिश करेगा इसे हम पेरेंट सेल बोल रहे हैं डिवाइड करने की कोशिश करेगा करेक्ट है तो जब ये डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो पहले क्या होगा इसका जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट होगा है ना सबसे पहले इसका जेनेटिक मटीरियल जो है यह आपका डुप्लीकेट होगा यानी अगर आप जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना रहे हैं तो यहां पर आपको दो कॉपीज देखने को मिल जाएंगी जेनेटिक मटेरियल की बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी और आगे चल के क्या होगा आगे चल के जो सेल है इसके भी आपके दो टुकड़े हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपको दो सेल्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप क्या कहते हैं टू डॉटर सेल्स आपको टू डॉटर सेल्स देखने को मिली और इनमें आपका जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ था तो यहां पर आपका क्या हो गया ये पेरेंट सेल और पेरेंट सेल को यहां पर समझने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल भाई पहले से आपका प्रेजेंट है ना पेरेंट सेल तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है इससे आपके क्या आते हैं न्यू सेल्स आते हैं जिनको हमने यहां पर क्या बोल दिया है डॉटर सेल्स बोल दिया है हमने यहां पर क्या बोल दिया है डॉटर सेल्स बोल दिया है ये क्या है आपके न्यू सेल्स हैं तो नए सेल्स आपके कहां से आए न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स राइट सो अल्टीमेटली ये रूडॉल विरको साहब ने बात कही तो सेल थ्योरी अब थोड़ी सी और मॉडिफाई हो गई सेल थ्योरी में अब आपके दो पॉइंट्स हो गए एक तो वो पॉइंट जो कि आपके स्क्लेडन और स्वान साहब ने दिया और दूसरा वो पॉइंट जो आपका रूडोल्फ विरको साहब ने दिया तो अगर आपको कोई कहे कि भाई सेल थ्योरी को आप एक बार सरल भाषा में हमें समझा दो तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिल करके आपके सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दूसरा पॉइंट जो है यह क्या है आपका ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला यानी आपके जितने भी नए सेल हैं यह पुराने सेल्स की डिविजन से ही बन रहे होंगे तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला यह आपका मेजर पॉइंट हो गया जो विरको साहब ने एड किया था एंड दिस इज योर कंप्लीट सेल थ्योरी तो अभी तक हम लोगों ने बहुत जनरल जनरल बातें करी हैं कुछ भी हम लोगों ने एडवांस नहीं पढ़ा है यहां तक एक बार रिवाइज करिए आराम से देखिएगा भाई सेल जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी चाहे आपका स्ट्रक्चर हो चाहे आपकी बॉडी हो चाहे आपकी बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन हो फंक्शन हो ये किस पे डिपेंड करते हैं सेल पर डिपेंड करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक से ज्यादा सेल भी पाए जा सकते हैं ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जिसके काफी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो ये अपने सारे काम खुद कर सकता है ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है अपने सारे फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे सॉरी तो अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में हमने यहां पर पढ़ा रॉबर्ट हुक साहब जिन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा यानी डेड सेल को देखा एंटोन वन ल्यून जिन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा लाइव सेल को देखा रॉबर्ट ब्राउन साहब जिन्होंने आपका सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया आपके स्क्लेडन साहब जो कि बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने अलग अलग प्लांट्स को देखा और कहा कि भाई प्लांट्स में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं स्वान साहब ने जो कि एक जुलॉजिस्ट थे इन्होंने एनिमल सेल को देखा

और इन्होंने सच में इस बात को थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने देखा और कहा कि हां सारे ऑर्गेनिज्म सच में सेल्स के ही बने होते हैं बिना सेल के कोई जीवन नहीं हो सकता लेकिन स्क्लेडन और स्वान साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि आपके नए सेल कैसे जनरेट हो रहे हैं तो इसके लिए रूडॉल्फ विको साहब ने यहां पर आकर के अपना जो इनपुट है वो दिया और इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला यानी जो नए सेल्स हैं वो आपके पुराने सेल्स से ही जनरेट हो रहे होंगे यहां तक कितने स्टूडेंट्स को बातें समझ में आ गई एक बार फटाफट बता दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर है ना यहां तक कितने स्टूडेंट्स को बातें समझ में आ गई हैं एक बार फटाफट बताइए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके एंड मैं आपको एनसीआर का भी एक दौरा करा देता हूं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने देखा कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या था एक डिफाइनिंग फीचर था हम लोगों ने देख लिया था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन is a defining feature of living organisms. तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी ही चाहिए अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कोई ऑर्गेनिज्म अगर सेल कंटेन नहीं करता तो उसे आप लिविंग नहीं कंसिडर कर सकते सो so, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना कौन रहा है उसके अंदर पाए जाने वाला सेल तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम विदाउट एनी एक्सेप्शन ये सेल्स के मिलकर के बने होंगे अब एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है एक भी सेल हो जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर और हो सकता है एक से ज्यादा सेल हो जैसे कि आपका ज्यादातर फंगस प्लांट और एनिमल्स के अंदर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक भी सेल है अगर वो यूनिसेलुलर भी है तो भी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो अपने सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है वो अपने खुद कर सकता है आपका सेल जो है यही रिपीट हो होकर आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा होगा एज वेल एज यही जो सेल्स हैं ये आपकी बॉडी के फंक्शंस में भी हेल्प कर रहे होंगे इसीलिए आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सेल को आपके एंटोन वॉन लिवन हॉक साहब जो है इन्होंने पहली बार आपके लिविंग सेल को देखा जबकि रॉबर्ट हुक साहब ने पहले डेड सेल को देखा था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बाद में क्या किया आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एंड जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई एंड उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट हुई आपकी और ज्यादा चीजें हमें क्लियरली नजर आने लगी क्या आप एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से राइबोसोम को देख सकते हो खुद बताओ राइबोसोम जो है इसका साइज नैनोमीटर में होता है क्या आप एक लाइट माइक्रोस्कोप से राइबोसोम को देख सकते हो कभी भी नहीं देख सकते क्योंकि आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन अगर आप मान के चलें तो कितनी होगी एक माइक्रोमीटर की अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये एक माइक्रोमीटर की चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है एक माइक्रोमीटर मतलब कितना हो गया 10 रे टू दी पावर -6 मीटर की चीज को बहुत अच्छे से देख सकता है लेकिन आपके राइबोसोम का साइज कितना है अगर हम देखें साइज ऑफ राइबोसोम तो राइबोसोम का साइज 15 से 20 नैनोमीटर होता है है ना यानी एवरेज अगर आप माने तो आप इजी कैलकुलेशन के लिए 10 नैनोमीटर बोल लो है ना जस्ट फॉर रेफरेंस अगर आप 10 नैनोमीटर बोलेंगे तो साइज क्या हो गया 10 10 रे टू दी पावर -9 मीटर यानी ओवरऑल आप लिख सकते हो 10 रे टू दी पावर -8 मीटर भाई यहां पर इसकी मैग्निफिकेशन है 10 रे टू दी पावर -6 मीटर तक को देख लेने की यह 10 रे टू दी पावर -8 मीटर यानी जितना एक लाइट माइक्रोस्कोप देखता है उससे 100 गुना छोटी चीज सेल के अंदर छुपी हुई है तो क्या आप इसे देख पाओगे कभी नहीं देख पाओगे है ना जैसे आप अपनी नेकेड आई से इस पेन के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया बैठा भी हुआ है जो कि ऑब्वियसली बैठा हुआ होगा तो क्या इसे देख पा रहे हो नहीं बिकॉज हमारी आंखों की क्षमता ही उतनी नहीं है तो सिमिलरली लाइट माइक्रोस्कोप जो था इसकी भी क्षमता इतनी नहीं थी जैसे जैसे धीरे धीरे आपका विकास होता रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब आई तो आपके कुछ छुपे हुए जो रहस्य थे सेल के अंदर ये हमें ज्यादा बेहतर तरीके से दिखने लगे मेम्ब्रेन का अच्छा खासा स्ट्रक्चर जो है एल्यूसिडेट किया जाने लगा जो आपका राइबोसोम था उसकी डिस्कवरी हुई तो जैसे जैसे आपका विकास हुआ माइक्रोस्कोपी में वैसे वैसे हम सेल की और ज्यादा गहराइयों के अंदर जाते चले गए ठीक है इसीलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब आई तो अल्टीमेटली हम लोग सेल को और अच्छे तरीके से देखने लग पड़े ठीक है यहां तक की बात है क्लियर आगे देखिए यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एटीन और लगभग सेम टाइम पे आपका स्वान साहब ने भी रिसर्च स्टार्ट करी थी 1839 एक ही जर्मनी का तो, जर्मन तो रिसर्च करी होगी और इन्होंने कहा कि भाई डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं जो डिफरेंट तरीके के टिश्यूज और ऑर्गन और बनाते हैं प्लांट में लेकिन स्वान साहब जो थे जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे

अपनी एनिमल और प्लांट सेल पे जो रिसर्च थी इस इस बेसिस पे किया किया मैंने इस वर्ड को अलग से हाईलाइट किया है दोस्त अभी कंप्लीट नहीं हुई है इन्होंने सिर्फ आपके सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हो। ये मैं कह रहा हूं ये मैंने दी है। जैसे इस आपको पता लगा कि भाई किसी ने ये हाइपोथेसिस दी है और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है तो इन्होंने सोचा कोलैबोरेट किया जाए और कोलैबोरेट करके इन्होंने ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ कर दिया क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड तभी आपका पीछे से विरको साहब आए जिन्होंने ऐड कर दी अपनी एक बात जो की थी ओमनेस सेलुला ई सेलुला क्योंकि स्क्लेडन और स्वान ये नहीं बता पा रहे थे कि नए सेल किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं तो आपके ये जो विरको साहब थे इन्होंने अपनी बात ऐड करी और सेल थ्योरी आपकी क्या हो गई कंप्लीट हो गई राइट तीन बार हम इस बेसिक चीज को पढ़ चुके हैं अभी तक तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा एक बार फटाफट लाल कलर के दिल दे दीजिए अब हम लोग असलियत में एंटर करने वाले हैं इनर सेल लेट से अगर मैं आपको बोलता हूं एक जनरल सेल बनाइए कोई आपको बाउंडेशन नहीं दी गई है यहां पे कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है यहां पर आप एक सेल बनाइए और उसके अंदर जितनी चीजें आप डाल सकते हैं उतनी डाल दीजिए समझने के लिए तो क्या आप एक सेल बना सकते हैं यस yes. फटाफट एक सेल हम लोग तैयार कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से लेट से मैं एक आपका प्लांट सेल बना रहा हूं या एनिमल सेल बना रहा हूं कोई भी बना लेते हैं हम लोग यहां पर तो सबसे पहले मैं ये बाउंड्री बना रहा हूं सबसे पहले मैं ये बाउंड्री बना रहा हूं भाई अगर ये एनिमल सेल है तो इस बाउंड्री का नाम क्या हो जाएगा अगर ये एनिमल सेल है तो इस बाउंड्री का नाम क्या हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा भाई अगर मैंने एक एनिमल सेल बनाया है तो क्या सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी और अगर आप इसे एक प्लांट सेल बोल रहे होते तो क्या प्लांट सेल में ये जो बाउंड्री है ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है ना अगर हम देखें तो ये बाउंड्री क्या आपकी थोड़ी और बड़ी हो जाती एकदम हो जाती लेट्स ट्राई टू पुट इट लाइक दैट ओके ये थोड़ी सी छोटी हो गई इसको अच्छे से हम लोग डाल देते हैं एक सेकेंड बस थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी करेक्ट है है ना डन दिस इज योर बाउंड्री इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं जिसे अलग से पहचान में आए अगर ये आपकी प्लांट सेल की बात हो रही होती तो क्या यहां पर सेल वॉल हमें देखने को मिल जाती बिल्कुल देखने को मिल जाती तो दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज प्रेजेंट इन साइड सेल मेम्ब्रेन और इसके ऊपर आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगी सेल वॉल देखने को मिलेगी अगर हम देखें यहां पर अंदर की साइड आपको क्या देखने को मिलेगा एक प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात हो रही है यानी एक यू कैरियोटिक सेल है अगर यू कैरियोटिक सेल है तो क्या इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा बिल्कुल देखने को मिलेगा यहां पर आपका न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है, एक दम देखने को को मिल मिल रहा रहा है है एकदम तो इस प्रकार से आपका क्या पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है दो इसके ऊपर मैंब्रेन होती हैं जो साफ साफ हमें दिखाई दे रही हैं यह है आपकी अंदर वाली मैंब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है ना यह है आपकी अंदर वाली मैंब्रेन ऑफ न्यूक्लियस जो चमक रही है और यह आपकी बाहर वाली मेमब्रेन ऑफ न्यूक्लियस तो इन्हें इनर एनवेलप और आउटर एनवेलप कहा जाता है अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ गैप्स हैं जहां पे आउटर और इनर मैं फ्यूज कर रही है यहां पे कुछ आपके पोर्स हैं इनको क्या कहा जाता है न्यूक्लियस के पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स ही कहा जाता है ये इनका नाम है इनका स्टैंडर्ड नाम है करेक्ट अब ये जो आपका न्यूक्लियस है क्या इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाएंगे बिल्कुल पाए जाएंगे क्या इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाएंगे एकदम पाए जाएंगे और क्या इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए पैक्ड होगा बिल्कुल होगा यानी न्यूक्लियस जो है इसमें आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए पैक्ड होता है यानी आपके अगर आप डिप्लॉयड सेल की बात करो मेरे हाथ का मैंने एक सेल ले लिया मेरे चीख का मैंने एक सेल ले लिया तो उसके हर सेल के अंदर क्या होगा फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे बिल्कुल तो फोर्टी सिक्स सारा सारा होता है पैक्ड होता है अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस की, की, की जो आउटर एनवल है ये किसके साथ कंटिन्यूस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस प्रकार से आपके रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर इनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं यानी यहां पर अपियरेंस क्या हो गई है इन राइबोसोम्स की वजह से रफ हो गई है तो इसे हम कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम्स नहीं है तो इसे हम कह देंगे स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि अपियरेंस आपकी क्या है स्मूद है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद में आपके क्या पाए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं गोल्जी बॉडीज आप यहां पर इन्हें बोल सकते हो इस प्रकार से आपकी गोलजी बॉडी पाई जाती है राइट right? अगर ये एक प्लांट सेल है हमने यहां पर सेल वॉल बना दी है तो इट इज बाय डिफॉल्ट अ प्लांट सेल तो क्या इसमें एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल की एक खास बात होती है है कि उसमें बहुत ही बड़ा होता है। क्या इसमें और भी ऑर्गेनल्स पाई जाएंगी ये yes. आपकी माइक्रोबॉडीज भी यहां पर देखने को मिल सकती है आपके यहां पर क्या देखने को मिल सकते हैं आपके यहां पर राइबोसोम्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं जो कि यूनिवर्सल ऑर्गेनिल है अगर यह प्लांट सेल है तो क्या इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा होगा जो कि यहां पर फोटोसिंथेसिस कराएगा बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा तो क्या आपको यहां पर क्लोरोप्लास्ट बना लेना चाहिए एकदम बना लेना चाहिए इस प्रकार की काफी सारी ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलती हैं राइट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें आप काफी सारी चीजों को समझ सकते हो अब एक एक करके इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं भाई ये क्या है आपके न्यूक्लियस की एनवेलप्स है ये बाहर वाली एनवेलप ये अंदर वाली एनवेलप तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो यह क्या है न्यूक्लियर एनवेलप यह आपके न्यूक्लियर एनवेलप है बिल्कुल है यह पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है यह आपका क्या हो गया यह कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस हो गया बिल्कुल हो गया यह कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस हो गया यह जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यह क्या है आपका न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स और इन क्रोमोसोम्स के अंदर यह जो स्ट्रक्चर है दिस इज पैक्ड डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन है दैट इज डीएनए ये जो आपको छोटा सा छेद देखने को मिल रहा है दिस पर्टिकुलर पोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर यहां पर आपका राइबोसोम पाए जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको प्यार से आर आर भी कहा जाता है यहां पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं तो स्मूद अपियरेंस है यहां पर तो इसे स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडी बोलते हैं तो आप इसे जीबी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी जीसी लिख सकते हो ये आपका प्लांट सेल है तो यहां पर खूब बड़ा आपका क्या पाया जा रहा है वैक्योल काफी प्लांट सेल तो ऐसे भी होते हैं वैक्योल नाइन्टी परसेंट तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है यानी सेल में आपका सबसे बड़ा वैक्यूल ही होगा बाकी सारी ऑर्गेनेल साइड में ढकेली जाएंगी यह अगर आप देखें तो इट इज अ वेरी स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं माइक्रो बॉडी माइक्रो मतलब छोटे साइज की ये बॉडी है ऑलराइट राइट right? ये आपका क्या हो गया ये आपका राइबोसोम हो गया है ना राइबोसोम आपका यहां भी पाया जा सकता है ईआर ER आर के साथ और आपका क्लोरोप्लास्ट वगैरह में भी पाया जा सकता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दिस दिस तो एक सेल के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं चीजें वो हमें एनसीआरटी में बता रखी है आराम से देखिएगा यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व कि प्लांट का सबसे कॉमन सेल जो आप ले सकते हैं वो अनियन पील सेल है इजिली आप इसको ऑप्टेन कर सकते हैं घर पे ही मिल जाएगा तो आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहें तो देख सकते हैं हालांकि आपके घर पे माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा वो अलग बात है लेकिन सबसे इजीली अवेलेबल चीज जो है आपके लैब में भी दैट इज अनियन पील सेल और ह्यूमंस की अगर आप बात करें तो ह्यूमन चीक सेल आपको ईजिली मिल जाता है तो इनको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो अगर आप ह्यूमन चीक सेल को देखोगे तो क्या सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको सेल मेम्रेन देखने को मिलेगी यस क्योंकि यहां सेल वॉल नहीं होती लेकिन अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल में क्या आपको सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री देखने को मिलेगी बिल्कुल देखने को मिलेगी चाहे आपका प्लांट सेल हो चाहे आपका एनिमल सेल हो आपकी एक डेंस ऑर्गेनेल यहां पर देखने को मिलती है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा दो मेम्ब्रेन हमने बनाई थी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इस डेंस स्ट्रक्चर को यानी बड़े से स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर हमने क्रोमोजोम बनाए थे जैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर डिप्लोइड सेल में फोर्टी सिक्स पाए जाएंगे एंड हर क्रोमोजोम में थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए आपका क्या होगा पैक होगा तो यह भी हमें पता है एंड ऐसे सेल्स जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है इन्हें हम क्या कहते हैं यू कैरियोटिक कहते हैं तो यहां पर एक अच्छी चीज हमें यह पता लग गई कि वी नीड टू बाइफरकेट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स तो यहां पर एक अच्छी चीज ये हो गई कि हमें इनके बीच में डिफरेंस भी जानना था तो हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी मिल गया यहां पर लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यहां लिखिए यूकैरियोटिक सेल अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आराम से समझने की कोशिश करेगा प्रो में प्रो का मतलब क्या है प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी पिछड़ा हुआ और कैरियोन का मतलब क्या होता है कैरियोन का मतलब होता है आपका हमेशा न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहां पर हमें देखने को मिलता है जिसका अर्थ क्या हुआ जिसका मतलब क्या हुआ वट इज द मीनिंग ऑफ प्रो कैरियोटिक दैट द न्यूक्लियस

और का मतलब वही न्यूक्लियस तो जाहिर सी बात है यहां क्या मिलेंगी आपको न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट मिलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पे पाया जाएगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर देखने को मिलती है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट यानी सेल के अंदर और भी मैमब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स पाई जाती है मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां पे अपनी मर्जी का चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर भी मैमब्रेन होती है चाहे वैक्यूल है इस पर भी आपकी मैमब्रेन होती है ट्रू वैक्यूल होना चाहिए चाहे आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इस पर भी मैमब्रेन होती है चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लो इस इसपे भी मैमब्रेन होती है चाहे आप क्लोरोप्लास्ट ले लो इस पे भी मेम्ब्रेन होती है ये सारी चीजें यहां पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर बट अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर नहीं पाई जाती तो आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर नहीं पाई जाती कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर पाई जाएंगी। यहां पर देखिए क्या है आपका जो दोनों के अंदर पाया जाएगा राइबोसोम इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ये सबके अंदर पाया जाता है क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है तो जाहिर सी बात है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन हर सेल के अंदर बनाएगा हर सेल में प्रोटीन आवश्यक होते हैं तो इसलिए राइबोसोम्स आर फाउंड यहां पर अगर आप देखोगे तो राइबोसोम जो है आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं पहला आपका एटीएस राइबोसोम एटीएस राइबोसोम कहां पाया जाएगा आर के साथ एसोसिएटेड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड और आपका 70S राइबोसोम कहां देखने को मिलेगा दो ऑर्गेनेल्स के अंदर यानी इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको सेवेंटी राइबोसोम देखने को मिलेगा तो राइबोसोम है दोनों प्रकार के यहां पर क्या होगा दोस्त यहां पर भी आपके राइबोसोम पाए जाएंगे बट सिर्फ एक प्रकार के यहां पर भी द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बट ओनली ऑफ वन टाइप तो यहां पे अकेला प्रकार जो है आपका राइबोसोम का ये कौन सा है सेवेंटी एस राइबोसोम राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा अब एक छोटी सी ट्रिक है इनकी याद करने की, है ना? यहीं पर इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं यहां पर देखिए एक छोटी सी ट्रिक है तो इसकी सब यूनिट जो होंगी ये भी आपके ऑड नंबर में आएंगी यानी आपका फिफ्टी एस एंड आपका थर्टीएस फिफ्टी एस एंड थर्टीएस एंड एस जो है इसमें एट इज एन इवन नंबर इवन इवन नंबर है, तो इसकी सब यूनिट्स भी आपकी क्या आएंगी? आएंगी तो तो दोन से पहले कौन सा और आता है? 5, और 5 के पहले ऑड नंबर कौन सा आएगा थ्री तो फिफ्टी एस और थर्टी एस यहां पर सब यूनिट होती है एंड यहां पर अगर आप देखेंगे सिक्स और फोर तो सिक्सटी और फोर्टी इसकी सब यूनिट हो जाएंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहीं पर और चीजों को डिकोड करते हुए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया आपका एस जो है ये होता क्या है है ना तो एक बार मैं एक टेस्ट ट्यूब लेने की कोशिश करता हूं यहां पर मुझे टेस्ट ट्यूब मिल जाएगी शायद यस तो हमें ये पता करना है कि वट इज सिक्सटी एस वट इज फोर्टी एस वट इज थर्टी एस एंड यहां पर मैथमेटिक्स में गड़बड़ हुई क्यों है हम अगर किसी मैथ वाले बच्चे से पूछेंगे कि भाई 50 और 30 का सम करके बताना तो वो बोलेगा 80 है ना लेकिन हम कहेंगे 70 और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 60 और 40 का सम करके बताना जरा तो बोलेगा 100 लेकिन हम बोलेंगे 80 और ये करेक्ट भी है क्यों करेक्ट है इसके पीछे का लॉजिक आज आपको जानना होगा बिकॉज ये काफी ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि यहां पर भैया 60 और 40 जो है 80 कैसे हुआ 100 क्यों नहीं हुआ ठीक है आराम से सुनेगा बहुत प्यार से सुनेगा यहां पर आपने क्या किया अलग अलग कॉम्बिनेशन में चीजों को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और सेंट्रीफ्यूगेशन से उनको बैठाने की कोशिश की तो पहली चीज आपने यहां पर क्या डाली पहली चीज आपने यहां पर डाली अलग से जो सब यूनिट थी ये फोर्टी वाली अलग से आपने फोर्टी एस सब यूनिट जो है की, यहां पर डाल दी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरी आपने चीज क्या डाली दूसरी आपने चीज यहां पर डाली लेट से आपकी 60S दूसरी आपने क्या डाली सिक्स ठीक है और तीसरे केस में आपने क्या किया इन दोनों को आपने साथ में डाला है ना इन दोनों को आपने क्या किया साथ में डाला तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला या फिर आप अलग से स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो अलग से भी बना सकते हो कि सिर्फ एक एक सब यूनिट आपने यहाँ पर बना ली ये आपकी प्ट्टी सब यूनिट है राइबोसोम की ये आपकी सिक्सटी सब यूनिट है राइबोसोम की एंड यहां पर आपने क्या किया भाई दोनों सब यूनिट्स आपने डाल दी ये आपकी क्वट्टी सब यूनिट है ये आपकी सिक्सटी सब यूनिट है ये दोनों आपने डाल दी ठीक है अब हमें इसका आंसर पता करना है कि भाई इसका वजन कितना होगा अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपको क्या सिखाया गया है बचपन से वो सही भी सिखाया गया है कि लेट से अगर आप इस टेस्ट ट्यूब में कोई चीज डालते हो अगर आप इस टेस्ट ट्यूब में कोई चीज डाल रहे हो और इस टेस्ट ट्यूब को घुमा रहे हो तो भारी चीज आपकी नीचे चली जाएगी भाई वेट एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटी भारी चीज को नीचे खींचेगी और हल्की चीज ऊपर रह जाएगी यानी अगर आप यहां पर देखोगे सबसे ऊपर तो लाइट चीज रहेगी और यहां पर देखोगे सबसे नीचे तो आपकी सबसे हैवी चीज रहेगी ये बात हमें बचपन से पता है है ना तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे हल्की चीज क्या देखने को मिली आपको सबसे हल्की चीज आपको यहां पर ऊपर ही ऊपर देखने को मिली क्या 40S की लेयर यहां पर सबसे ऊपर आपको देखने को क्या मिली 40s एस लेयर उसके नीचे आपको क्या देखने को मिली उसके नीचे आपको देखने को मिली सिक्सटी एस लेयर

इसीलिए इसे 100 नहीं बोला आराम से सुनिएगा बहुत प्यार से सुनिएगा भाई जब हमने 40 एस सब यूनिट्स को डाला इस टेस्ट ट्यूब में और घुमाया तो यहां कहीं पर हमें बैंड देखने को मिला जब 60 एस को हमने डाला तो यहां कहीं पर बैंड देखने को मिला है ना तो 100 एस हमें लगा कि भैया यहां कहीं पर आएगा जब इन दोनों को साथ डालेंगे तो पर यहां कहीं पर बैंड आपका आया ही नहीं बैंड आपका कहां पर आया बैंड आपका आया यहां पर तो हमें यह जानकारी मिली कि जब आप 60s और 40s को साथ में डालते हो तो बैंड आपका 80s वाली पोजीशन पे मिलता है तो एस क्या है आपका यहां पर चीजों को आप सेडिमेंट कर रहे हो ना तो एस क्या है आपका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है एस क्या है आपका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है जिसको आप क्या बोलते हो स्वेद यूनिट यानी एक्चुअल में आप यहां पर इन राइबोसोम के सब यूनिट का भार जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हो कि फोर्टी प्लस सिक्सटी हंड्रेड लिख दोगे आप भार को कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हो आप उनकी सेडिमेंटेशन की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर रहे हो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन तो आपका हंड्रेड एस पे बैंड बना ही नहीं जब आपने इन दोनों को डाला तो हंड्रेड एस पे बैंड बना ही नहीं एट्टी एस पे बैंड बना तो क्या फोर्टी प्लस सिक्सटी एट्टी एस बोलोगे कितने लोगों को यह बात पहली बार समझ में आई एक बार फटाफट बताइए कितने लोगों को आज ये बात पहली बार समझ में आई दैट इट इज एस नॉट हंड्रेड एस कितने लोगों को आज से पहले ये कंसेप्ट नहीं पता था एक बार दे दीजिए फटाफट है ना क्योंकि यूजुअली ये चीजें हम लोग रट लेते हैं कोई पूछता है एस क्या है हम बोलते हैं स्वेदबर्ग यूनिट है सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है बट वी डू नॉट नो द कंसेप्ट बिहाइंड दिस है ना हमें एक्चुअली ये नहीं पता होता कि भाई इसको 80s बोला क्यों हंड्रेड एस क्यों नहीं बोला क्योंकि तो तो मौजूद साथ -साथ. नहीं रहे जहां पर इन्हें होना चाहिए था चीज हमें देखने को मिली तो हमने यहां पर सब यूनिट्स देख ली हैं आपके राइबोसोम की दोनों जगह राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूकैरियोटिक सेल में भी बट प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 70S राइबोसोम है और आपका यू सेल में एस राइबोसोम है इन राइबोसोम के बारे में कुछ और बातें भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यह जो राइबोसोम है इन्हें यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि हर सेल में पाई जाती है और यह यूनिवर्सल ऑर्गेनेल क्यों है क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो पाई नहीं जाती और राइबोसोम जो है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है इट इज मेम्ब्रेनलेस इट इज मेम्ब्रेनलेस मेम्रेन मेम्ब्रेनलेस है तो प्रोकैरियोट में पाई जा सकती है एंड ये जो आपके राइबोसोम्स हैं इनको क्या बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ये आपकी प्रोटीन बनाने में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री एंड इनको साथ साथ और क्या बोला जाता है दे आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड तो पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था सो दे आर कॉल्ड एज पैलेड पार्टिकल्स तो ये चार बातें इनके बारे में आपको पढ़नी होती हैं। भाई यूनिवर्सल हैं क्योंकि हर जगह पाई जाएंगी मैंब्रेनलेस हैं हर जगह पाई जाएंगी प्रोटीन बनाती हैं तो प्रोटीन फैक्ट्री बोल दिया जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो पैलेट पार्टिकल्स बोल दिया तो अब आपके सेल्स कैसे कैसे हो सकते थे अगर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है किसी सेल के अंदर तो ये आपका यूकेरटिक सेल हो जाएगा और अगर मैमब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा तो आपका सेल कैसा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक हो जाएगा चाहे आपका दुनिया का कोई भी सेल हो क्या वो बिना पानी के काम कर सकता है नहीं तो आपका सेमी फ्लूड मैट्रिक्स इनके अंदर पाई जाएगी जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है एंड इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल यानी सेल में जो वॉल्यूम है जितनी जगह बची हुई है इस सारी जगह में क्या प्रेजेंट है भाई यहां वैक्यूल पाया जा रहा है तो इसके साइड में यहां पर जितनी भी जगह है ये ब्लैक कलर की इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा इस जगह पर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा प्लाज्म मतलब प्लाज्मा और प्लाज्मा का मतलब होता है पानी हम कहते हैं कि हमारा सेल जो है सत्तर प्रतिशत पानी से मिलकर बना हुआ होता है है ना हमारी बॉडी में ज्यादातर कॉम्पोजिशन किसकी है वॉटर की है सो so, वो वॉटर एक्चुअल में कहा रिजाइड कर रहा है कहां प्रेजेंट प्रेजेंट है है साइटोप्लाज्म में ही एंड पानी यहां पर है तो रिएक्शन भी यहीं पर होगा मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटी इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म में ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और अगर आप देखेंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से ही आप लिविंग स्टेट में रहते हो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो आप लिविंग हो अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहे हैं तो आप लिविंग हो ही नहीं यू आर अ नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमारे सेल में जो रिएक्शन हो रहे हैं ये कहां पर हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर वहीं पर पानी में सारी की सारी रिएक्शन होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा सेल जो है ये सारी एक्टिविटीज को कर पाता है और जिंदा रह पाता है दैट्स व्हाई सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए कौन सबसे ज्यादा जरूरी है साइटोप्लाज्म ऑलराइट right? अब देखिए कि आपके यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाई जाएंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपकी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाई जाएगी इनमें बस एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है उसके बाद इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई अलग मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी राइबोसोम आपके यूनिवर्सल होते हैं दे आर यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बिकॉज इनपे कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जा सकेंगे

आपके राइबोसोम जबकि रफ ईआर में आपके क्या थे राइबोसोम नहीं होते All right? ये आपके डिफरेंट शेप्स है अलग अलग सेल्स की क्योंकि सेल्स अलग अलग काम करते हैं तो इनकी शेप्स इनके काम के हिसाब से मॉडिफाई हो जाती है लेट्स से एक गोल मटोल सेल है और वो ये दावा कर रहा है कि वो बहुत दूर तक सिग्नल भेज पाएगा तो क्या ये बात करेक्ट है नहीं अगर आप सिग्नल भेजना चाहते हो तो आप एक पतले और लंबे सेल का इस्तेमाल करोगे अगर आप अपने घर में भी देखो तो केबल की तार आ रही होगी बिजली की तार आ रही होगी वाईफाई की तार आ रही होगी तो तार आपका पतला और लंबा होता है है ना कभी भी गोल मटोल नहीं होता ऐसा नहीं है कि हेलमेट रख दिया तार की जगह हेलमेट अपना काम करता है तार अपना काम करता है अगर हमें यहां पर सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं तो हमें पतला और लंबा तार जैसा स्ट्रक्चर चाहिए तो यहां पर नर्व सेल्स जो होते हैं ये ब्रांच होते हैं और लंबे होते हैं इन्हें अलग अलग जगह पर सिग्नल्स भेजना है और बहुत लंबा इन्हें होना पड़ेगा तो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर ब्रांच एंड लॉन्ग क्योंकि इनका काम वैसा है अगर आप देखेंगे तो ट्रेकिट जो है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भाई ट्रेकिट जो है किसका मेंबर है जाइलम का मेंबर है और जाइलम क्या करती है पानी को ट्रांसपोर्ट करती है तो क्या इसका स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा होगा इलांगेटेड होगा लंबा होगा बिल्कुल होगा तो जाहिर सी बात है इलांगेटेड स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है आपके गोल गोल मीजोफिल सेल्स यहां पर देखने को मिलते हैं राउंड या ओवल मीजोफिल सेल्स यहां पर देखने को मिलते हैं और इन मीजोफिल सेल्स में आपको ये जो छोटे छोटे काले काले डॉट दिखाई दे रहे हैं जो मैं यहां पर बना रहा हूं इन मीजोफिल सेल्स में एक्चुअल में क्या पाए जा रहे हैं ये पाए जा रहे हैं आपके क्लोरोप्लास्ट ये पाए जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट मिजोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल के अंदर और इतने सारे क्लोरोप्लास्ट अगर पाए जा रहे हैं मीजोफिल सेल में तो ये किसमें हेल्प कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होंगे एंड दैट्स व्हाई मिजोफिल सेल्स आर मोस्ट फोटोसिंथेटिक ये कहां अबेंडेंटली पाए जाते हैं यह आपके लीफ में अबंडली पाए जाते हैं लीफ में आपके सेल्स खूब पाए जाते हैं जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए अगर आप देखेंगे अपने डब्ल्यू यानी वाइट ब्लड सेल तो ये आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पैथोजन आ रहा है कोई बैक्टीरिया आ रहा है कोई प्रोटोजोवन आ रहा है तो उसको मारने का काम कौन करते हैं डब्ल्यू ये अमीबॉइड होते हैं यानी इरेग्युलर होते हैं शेप में अमीबॉइड मतलब अमीबा जैसी शेप है यानी टेक्निकली कोई शेप नहीं है तो दे आर इग्युलर इन शेप अगर आप अपनी आरबीसी की बात करें रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये कैसे हैं? राउंड एंड बाय कनकेव है है ना काफी जगह पर इनको बाय कनकेव शेप आरबीसी भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप तो बाय कनकेव शेप्ड यहां पर क्या देखने को मिलती है आपको आरबीसी देखने को मिलती है और आपके ये एपिथेलियल सेल है आप एनिमल टिश्यूज अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तो एपिथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं और जहां बात आ गई गईनार की तो आप यहां पर एक एक्सिस कर सकते हैं सेंटर पे तो आपका न्यूक्लियस ज्यादातर केसेस में कहां देखने को मिल रहा है नीचे देखने को मिल रहा है अगर आप सेंटर पे एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ज्यादातर सेल्स में न्यूक्लियस आपका नीचे की साइड मिलेगा यानी आपका क्या मिलेगा बेजल न्यूक्लियस मिलेगा ऊपर की साइड ना मिलकर के ऊपर वाले हाफ में ना मिल करके नीचे वाले हाफ में न्यूक्लियस मिलते हैं तो बेजल न्यूक्लिया यहां पर देखने को मिलते हैं पतले और लंबे सेल्स होते हैं आपके के जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं एंड अगर आप देखेंगे तो इनकी डायमेंशन भी अलग अलग हो सकती है यहां से आपके काफी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं भाई माइक्रोप्लाजमा जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं और यहां पर एनसीआरटी में आपको किया गया है थोड़ा सा कंफ्यूज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी प्ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आपको अलग से दिखाए गए हैं लेकिन पीपीएलओ इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा यहीं पर लिख लीजिए प्ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा वो माइकोप्लाज्मा कैटेगरी में ही आता है तो इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है कोई स्मॉलेस्ट सेल आपको पूछे तो माइकोप्लाज्मा आप बोल सकते हो इंट थ्री माइक्रोमीटर यानी एक माइक्रोमीटर से भी तीन गुना कम इसकी क्या होती है लेंथ होती है बैक्टीरिया अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज तीन से पांच माइक्रोन इसकी एवरेज लेंथ आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रिच एग जो है एग क्या होता है एक गमीट होता है एंड अल्टीमेटली इट्स सिंगल सेल्यूलर तो ऑस्ट्रिच का जो एग है आप हाथ में भी लेकर के देख सकते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर तक का ये एग होता है बहुत बड़ा एग होता है तो इट इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल सबसे लार्जेस्ट आपको सेल जो देखने को मिलता है दैट इज ऑस्ट्रिच एग अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में भी फर्क है आराम से समझिएगा लॉन्गेस्ट मतलब लंबा यानी उसका मोटा होना कोई जरूरी नहीं है बस उसकी लंबाई अच्छी हो एंड लार्जेस्ट मतलब बड़ा बड़ा मतलब आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए यानी सेल बड़ा भी हो साइज में और मोटा भी हो तो ऑस्ट्रिच एग जो है ये लार्जेस्ट है इसकी लेंथ और ब्रेथ कंसिडरेबल है जबकि अगर आप लॉन्गेस्ट की बात करते हैं है ना तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा क्या होगा पतला तार जैसा ये आपका क्या होगा न्यूरॉन होगा या नर्व सेल होगा अगर आप रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली बाय डिस्क शेप एंड लगभग माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? होता है है डायमीटर यहां पर ये शब्द जो है इन पर सवाल पूछा जाएगा माइक्रो की लेंथ है पॉइंट माइक्रोमीटर आपका आरबीसी का डायमीटर है सात माइक्रोमीटर ये जो टर्म्स हैं डायमीटर लेंथ रेडियस ये आपसे पूछे जाते हैं करेक्ट तो आपकी लेंथ कितनी है माइक्रोप्लाजमा की पॉइंट थ्री माइक्रॉन टिपिकल बैक्टीरिया की जो लेंथ है ये क्या है तीन से पांच माइक्रॉन लार्जेस्ट सेल कौन है ऑस्ट्रेचेग लॉन्गेस्ट सेल कौन है नर्व सेल क्योंकि पतला और लंबा तार जैसा होता है और आपका बाय बायकनकेव डिस्क शेप जो आरबीसी है इसका डायमीटर क्या है इसका डायमीटर है सात माइक्रॉन सात माइक्रोमीटर ठीक है सो so अगर आप देखेंगे तो एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और पाई जाती है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसे क्या कहा जाता है इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है ठीक है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाई जाती है और कहीं नहीं यानी ये जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं ये जो आपके सेंट्रियोल हैं ये प्लांट में नहीं मिलेंगे ये आपके बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और सेल डिवीजन में ये रोल अदा करते हैं ठीक है तो इनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती तो दो अगर आपको पूछी जाए नॉन मेंब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो आपका उत्तर क्या होगा पहला राइबोसोम जो कि यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है और दूसरा आपका सेंट्रियोल जो कि एनिमल में पाया जाता है उसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है अगर आप देखेंगे तो सेल्स जो है दे वेरी ग्रेटली इन साइज इनका साइज जो है इनकी शेप जो है बहुत ज्यादा वेरिएबल हो सकती है जिसकी वजह से इनके फंक्शन भी काफी ज्यादा वेरिएबल होते हैं जैसे माइक्रोप्लाजमा जो है स्मॉलेस्ट सेल हैं सिर्फ पॉइंट माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है बैक्टीरिया जो है इनकी लेंथ तीन से पांच माइक्रोन हो सकती है यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगर आप आरबीसी की बात करें तो सात माइक्रोन इसका क्या हो सकता है डायामीटर है ना यहां पे डायमीटर आपका सात माइक्रोन है लेंथ की बात नहीं हो रही अगर आप लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट मतलब लंबा आपका क्या हो 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 जाएगा 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 नर्व सेल सेल है ना और अगर आप लार्जेस्ट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। जैसे जैसे इन सेल्स की शेप चेंज होती है वैसे वैसे इनके फंक्शन भी चेंज होते जाते हैं भाई अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे वॉटर ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या मैं एक गोल मटोल सा सेल लेकर के वॉटर ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगा नहीं मुझे पतला और लंबा सेल चाहिए तो क्या मैं इलोंगेटेड ट्रेकिड जैसी शेप बना लूंगा बिल्कुल बना लूंगा क्या मुझे ऐसी शेप चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए करेक्ट है अगर मैं कहूं मुझे फूड स्टोर करना है तो क्या मैं ऐसे सेल में फूड स्टोर करना प्रेफर करूंगा नहीं अब मुझे गोलमटोल सेल चाहिए सो so, अल्टीमेटली आपके जो सेल्स की शेप है वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करती है कि आपका सेल किस प्रकार का फंक्शन कर रहा होगा राइट right? सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स अगर आप देखें तो प्रो कैरिक सेल्स जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं प्रो कैरियोटिक सेल्स कौन से किंगडम में पाए जा रहे थे एक बार फटाफट बताइए एक ही ऐसी किंगडम है अकॉर्डिंग टू आर एच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें प्रो कैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं कहां देखने को मिलते हैं किंगडम मोनरा में देखने को मिलते हैं तो किंगडम मोनरा के जितने भी पार्ट्स होंगे है ना किंगडम मोनेरा आके जितने भी मेंबर्स होंगे सारे सारे प्रोकैरियोटिक होंगे बिल्कुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं भाई चाहे आपका आर की बैक्टीरिया हो चाहे आपका यू बैक्टीरिया हो सारे के सारे है आपके प्रोकैरियोटिक होंगे भाई ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या मतलब था साइनो बैक्टीरिया नाम में ही बैक्टीरिया आ रहा है ना तो ये तो बैक्टीरिया है ही प्रोकैरियोटिक है ही और माइकोप्लाज्मा आपका आ गया और मैंने आपको बताया तो मोनेरा का नाम आए आरकी बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया तो हमें पता ही है साइनो बैक्टीरिया हमने वहां पर पढ़ा ही है माइको अलग से एक सबकेस देखा था हमने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और पीपीएल तो वो भी बात यहां पर खत्म हो जाती है करेक्ट तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये छोटे होते हैं साइज में थोड़े एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेल अगर आप एक टिपिकल यू कैरियोटिक सेल की बात करेंगे और प्रोकेरिक सेल की बात करेंगे तो साइज में आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा साइज का फर्क देखो साइज में आपको क्या फर्क देखने को मिला एक प्रोकेरटिक सेल का साइज देखो एक प्रो कैरियोटिक सेल का साइज अगर आप जनरल देख रहे हो है ना तो आपका क्या होता है एक से दस माइक्रोमीटर के आसपास होता है।, यहां पर होता है तो क्या आप यह कह सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल आपका जनरली दस गुना बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से क्या साइज में यूकैरियोटिक सेल बड़े हैं और प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर है यस एकदम प्रूफ हो गया प्लस अगर आप देखें कि एक सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है डिवीजन टाइम यहां पर कितना है तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो डिवीजन टाइम कितना है भाई अगर आपको मैं कहूं कि एक बैक्टीरिया को यानी ई को को डिवाइड करना है और एक आपके ह्यूमन चीक सेल को डिवाइड करना है यानी एक तो हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया एक सेल से दो सेल बनाए और एक आपका ह्यूमन चीक सेल एक सेल से दो सेल बनाए किसमें ज्यादा टाइम लगेगा डिवाइड e कर लेगा आपका बीस मिनट में और ह्यूमन चीक सेल को डिवाइड करने में लगेंगे चौबीस घंटे यानी एक इकोलाय e एक दिन में यानी चौबीस घंटे में तो अरबों सेल्स बना देगा बिलियन ऑफ सेल्स बना देगा जबकि एक ह्यूमन सेल जो है तब तक सिर्फ एक सेल से दो सेल ही बना पाएगा 24 घंटे के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत तेजी से बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप एक यहां पर पैट्री प्लेट लोगे ये से एक पैट्री डिश है ठीक है इस पैटरी डिश में आपने क्या डाला है खाने पीने का सामान डाल दिया है यानी कल्चर मीडियम डाल दिया है इसमें आपने क्या डाल दिया है कल्चर मीडियम डाल दिया है और इस कल्चर मीडियम के ऊपर आपने ग्रो करा दिया है बैक्टीरिया ये लट से एक बैक्टीरिया है अब अगर आप इस एक बैक्टीरिया को ग्रो कराते हो तो आफ्टर लेट से एट टू टेन आवर्स ज्यादा भी नहीं सिर्फ आठ से दस घंटे में आपको इस एक बैक्टीरिया से करोड़ों बैक्टीरिया बनते हुए दिखाई दे जाएंगे अपनी आंखों के सामने आपको कॉलोनी साक्षात दिख जाएगी अभी आपको कोई कॉलोनी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन थोड़े टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत बड़ी कॉलोनी दिख जाएगी ठीक है और यहां पर आपने टाइम क्या दिया मात्र आठ से दस घंटा आठ घंटा लिख लो चाहे तो आप मात्र आठ से दस घंटा आपने टाइम दिया यहां पर क्या है एक सेल है आपका एक बैक्टीरिया है और यहां पर आपने क्या दे दिया भाई खाने पीने का सामान दे दिया टाइम दे दिया तो टेन रेस टू दी पावर सिक्स टू टेन रेस टू दी पावर सेवन बैक्टीरिया आपको देखने को मिल गए यानी आपके दस लाख से एक करोड़ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल गए सिर्फ आठ घंटे के अंदर इतना तेजी से ये आपका डिवाइड करता है तो क्या स्मॉलर होते हैं बिल्कुल प्रूफ हो गया क्या ये जल्दी डिवाइड करते हैं ये भी प्रूफ हो गया इनकी शेप्स अलग अलग हो सकती हैं जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में देख चुके हैं भाई आपके अगर ये गोल मटोल है तो आपके क्या कहलाएंगे कोकस गोल मटोल है तो आपके कोकस आपके बेसिलस हैं रॉड जैसे हैं अगर रॉड जैसे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे बेसिलस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहां पर क्या बनाया था बेसिलस के अंदर ये एंडोस्पोर भी बनाया था विब्रियो यानी आपका कॉमा शेप हो सकते हैं विब्रियो यानी यानी आपके कॉमा शेप आपको आपको देखने देखने को को मिल मिल सकते सकते हैं हैं एंड आपका स्पाइरल स्प्रिंग जैसे आपको देखने को मिल सकते हैं ये प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की यूजुअल शेप्स होती हैं एंड यहां पर स्पाइर में एंड में क्या लगे रहते हैं फ्लैजला लगे रहते हैं सो अगर आप अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखोगे ना तो इनके अंदर की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है यानी द वो आपको अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिलती है तो हम एक प्रोकैरियोटिक सेल बना लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा ठीक है आराम से समझेंगे ये एक में क्या क्या हो सकता है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की सेल है ये आपके एक प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मैमब्रेन है है ना और प्रोकैरियोटिक सेल यानी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में क्या आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी ऊपर बिल्कुल थी तो क्या इसमें सेल वॉल भी देखने को मिलेगी यस सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलती अदरवाइज सारे के सारे जो बैक्टीरिया है इनके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है ठीक है सो इफ यू वॉन्ट टू हाईलाइट द नेम्स तो आप अंदर की साइड लिख सकते हो यह क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है ये आपको क्या देखने को मिला सेल मेम्ब्रेन और यह आपको क्या देखने को मिली बाहर के साइड सेल वॉल यह आपको बाहर के साइड देखने को मिली सेल वॉल अब आपको पता है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल क्या यहां पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं अगर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा यहां पर न्यूक्लियस है ही नहीं तो क्या आपका जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से नंगा पुंगा पड़ा हुआ होगा एकदम खुला खुला पड़ा हुआ होगा यस yes. इस प्रकार से आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा तो ये आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है जो कुछ इस प्रकार से आपका पड़ा हुआ है यहां पर ठीक है ये आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है जो एकदम खुला पड़ा हुआ है इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर एनवेल नहीं है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इस मेन जेनेटिक मटीरियल को इसको आप क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियोइड इसको आप क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं इस न्यूक्लियोइड को आप प्यार से क्या कहते हैं जीनोफोर भी कहते हैं और बैक्टीरिया का दिल रखने के, के लिए आप इसे क्रोमोसोम भी कहते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम भी कह देते हैं आप इसे कह देते हैं सिंगल क्रोमोसोम आप इसे सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं आप इसे मेन जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल भी आप इसे कह सकते हैं सारे के सारे नाम आपके इसी न्यूक्लियोइड के हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो अदर देन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड दिस मेन जेनेटिक मटेरियल छोटे-छोटे आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रिंग्स भी यहां पर पाए जा सकते हैं यानी इस मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल आपका अलग से देखने को मिल सकता है इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए की रिंग की फॉर्मेट में है ना इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं और भी आपके जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े तो ये जो जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े हैं क्या ये मेन क्रोमोसोम से अलग पाए जा रहे हैं यस तो क्या आप इनको कह सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भाई मेन जो क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमोसोम क्या इसके बाहर पाए जा रहे हैं यस तो क्या इन्हें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह दोगे इन्हें आप कह दोगे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्या ये डबल स्टैंडर्ड है साफ साफ दिखाई दे रहा है तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दिखाई दे रहा है एंड ये आपका मेन जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी मर्जी के बिना रेप्लीकेट कर सकते हैं अपनी कॉपी भी बना सकते हैं सो so दैट्स आप यहां पर क्या कह सकते हो कि दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन क्रोमोसोम के बाहर पाए जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड दो आपको स्टैंड दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर है तो सर्कल बोल दिया सर्कुलर डीएनए विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लीकेशन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ये आपका क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट कर सकते हैं इनमें अगर कोई आपका खास जीन मौजूद है इनमें अगर कोई खास डीएनए का टुकड़ा मौजूद है तो ये अपने आप उसकी कॉपी बना देंगे है ना बिना इस न्यूक्लियोइड की परमिशन के इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं रेप्लीकेट कर सकते हैं इनमें आपके कुछ खास जीन पाए जा सकते हैं जैसे जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को लेट से यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना ये जीन यहां पर प्रेजेंट है जो इन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन के वार से बचा सकता है तो इस बैक्टीरिया पे अगर मैं एक दवाई छिड़कूंगा स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा राइट right? क्योंकि इसके पास इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन है ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि इस एंटीबायोटिक से इस बैक्टीरिया की रक्षा कर सकता है स्टेप्टोमाइसिन से इस बैक्टीरिया को बचा सकता है दैट्स वाई ये जो आपका प्लाज्मिड है इट प्रोवाइड्स सम यूनिक फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज तो ये जो गोल गोल रिंग है जिनके बारे में बात लिखी है इनका नाम क्या है प्लाज्मिड इट इज कॉल्ड एज प्लाजमिट ठीक है प्लाज्मिट क्या करता है इट प्रोवाइड्स यूनिक पिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया नए नए कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से दवाइयों से रक्षा करता है इस बैक्टीरिया की जिससे इसकी डेथ ना हो जाए तो मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया साइड में छोटे छोटे और जेनेटिक मटेरियल हो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट खत्म अब इसके अलावा क्या क्या पाया जाएगा यहां पर अब देखिए दोस्तों यहां पर आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो पाई नहीं जाएंगी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के नाम पे यहां पर सिर्फ क्या है यहां पर सिर्फ है आपका राइबोसोम तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो मैंब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के नाम पे सिर्फ सॉरी नॉन मेब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के नाम पे क्या है आपका राइबोसोम बाउंड हैल तो हो नहीं सकती लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल आपकी चीजें बन जाती हैं बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह आपकी कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे यूकेरटिक सेल के अंदर सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबल ये जो सेल वॉल होती है ना यह रिजिड होती है यह अंबुजा सीमेंट की बनती है तो यह अपनी शेप में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकती सेल वॉल आपका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एक फ्रेम प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को तो इट इज रिजिड एट मेच्योरिटी जब नई नई सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है तो यह थोड़ी सी फ्लेक्सीबल होती है जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है लेकिन एक टाइम के बाद जब यह वॉल मेचोर हो जाती है तो यह बहुत टफ हो जाती है उसके बाद ये अपनी शेप में बहुत ज्यादा बदलाव को आने नहीं देती लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है है ये किसकी बनती है? लिपिड और प्रोटीन की तो ये आपकी कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदर की साइड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड होती हुई दिखाई देगी और इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है आपका मीजोजोम ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत खास फीचर है कि ये जो मीजोजोम है ये यहां पर पाया जाएगा है ना तो यहां पर आप इनफोल्डिंग कर लीजिए यह ट्यूब के फॉर्मेट में भी इनफोल्डिंग हो सकती है ट्यूब वेसाइकल और लेमेली तीनों प्रकार की शेप बन सकती है तो याद रखने के लिए मैंने तीनों यहीं पर बना दी कि जिंदगी में कंफ्यूजन ही नहीं होगी आपका ट्यूब भी बना दी आपकी वेसाइकल भी बना दी आपका लेमेली भी बना दी एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिनके ऊपर आपके पिगमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर हम कुछ पिगमेंट्स भी बना करके देख लेते हैं भाई यहां पर ये जो मेमब्रेन की एक्सटेंशन है क्योंकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट तो पाया नहीं जाएगा मैंब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है नहीं आपकी तो यहां पर अलग अलग पिगमेंट्स आपके पाए जाते हैं ठीक है अलग अलग पिगमेंट्स आपके यहां पर पाए जा सकते हैं सो दिस पर्टिकुलर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेंब्रेन जहां पर आपके पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है क्रोमेटोफोर क्रोमा का मतलब ही होता है कलर तो इसे क्या कहा जाता है क्रोमेटोफोर है ना नाम है क्रोमा मतलब कलर तो कलर कौन प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को पिगमेंट्स तो पिगमेंट यहां पर पाए जाते हैं एंड ये जो आपके एक्सटेंशन हैं ये जो आपको चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं ये क्या है आपकी मीजोजोम है

तो ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है यही आपकी क्या करती है यही आपकी और फ्लैजला भी बनाती है यहां पर लेट से आपका फ्लैजला अगर बन रहा है तो फ्लैजला आपका कुछ इस हिसाब का बनेगा तो ये फ्लैजला भी अगर बनेगा तो ये एक किसकी एक्सटेंशन से बनेगा आपका सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनेगा है ना और सेल वॉल तो अपनी शेप को बहुत ज्यादा चेंज करेगी नहीं तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको सेल वॉल जो है एज इट इज देखने को मिल जाएगी अपनी शेप में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेगी जो फ्लैजला है वो आपका कहां से निकल जाएगा वो आपका यहां से निकल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से आपका फ्लैजला जो है यहां पर आपको निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजला हो ही अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजला होगा अगर कोई बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजला नहीं होगा दैट्स वेरी वेरी सिंपल ठीक है अब यहां पर इतनी सारी चीजें देख ली लेट्स ट्राई टू फाइंड थिंग्स आउट इन एक बार एनसीआर में इन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई कहां कहां ये बातें लिखी हुई है सारे सारे इनके अंदर एक सेल वॉल होगी यानी कि जब आपकी क्लासिफिकेशन हो रही थी आर एच विटेकर साहब जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं और जिनमें पैप्टीडोग्लाइकन की सेल वॉल है जो यूनिसेलुलर है फटाफट आप आ जाइए और किंगडम मोनेरा में बैठ जाइए एक्सेप्शन क्या है यहां पर माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा में खुद की सेल वॉल नहीं है अदर देन दैट आपके सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें सेल वॉल होती है है ना आप देखेंगे कि फ्लूइड मैट्रिक्स यहां पर पाई जाएगी जिसको क्या कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं ये तो हर सेल की निशानी है साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा यहां पर आपका ये जो मेजर एरिना बचा है क्या है आपका साइटोप्लाज्म ही तो है है ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको इस सेल के अंदर देखने को मिल रहा दिस कंप्लीट पार्ट इज वॉट दिस कंप्लीट पार्ट इज साइटोप्लाज्म यहां पर आपके सारे के सारे सेलर रिएक्शन होंगे यहां पर ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे है ना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर नहीं है इसीलिए प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस यहां पर होता नहीं है वेल well डिफाइंड तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपका नंगा पुंगा पड़ा रहता है नेकेड पड़ा रहता है है ना तो आपका मेन जो जीनोमिक डीएनए है जिसको सिंगल क्रोमोजोम हम लोग कह रहे थे या जिसको मेन सर्कुलर डीएनए हम लोग कह रहे थे इसके अलावा भी काफी सारे बैक्टीरिया हैं जिनमें छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती हैं सर्कुलर डीएनए की आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इनको हम लोग क्या कह रहे थे प्लाजमेट कह रहे थे यह प्लाजमेट आपकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज जो है यूनिक फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज और करेक्टर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक से इनकी रक्षा करता है ये सारी बातें हम लोग लिख चुके हैं अब अगर आप देखेंगे तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेल तो पाई नहीं जा सकती प्रोकैरियोट में तो आपके राइबोसोम पाए जाते हैं वो भी आपके सेवेंटी एस टाइप के एंड एक यूनिक चीज यहां पर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन तो इंक्लूजन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं इंक्लूजन क्या होती हैं इंक्लूजन बॉडीज आर बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बॉडीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स तो यहां पर क्या होता है काफी सारा material हो जाता है. काफी सारा सारा मटेरियल मटेरियल इकट्ठा इकट्ठा हो हो जाता जाता है है एक जगह पे और एक स्टोरेज बॉडी टाइप की चीज ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन ये क्या स्टोर कर रहे हैं इनका नाम उसी हिसाब से हो जाएगा भाई समझ लीजिए मेरे पास एक थैला है उस थैले में आलू है तो वो क्या हो गया आलू का थैला कोई थैला है जिसमें प्याज है तो क्या हो गया प्याज का थैला इसी प्रकार से यहां पर आप इंक्लूजन बॉडीज जब देखेंगे यहां पर इफ यू सी द इंक्लूजन बॉडीज बॉडीज है उस बेसिस पे इनका नाम अलग अलग हो जाएगा अगर ये आपका स्टोर कर रही है बेसिकली कुछ खाने पीने का सामान या ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन बॉडीज हो गई है ना अगर ये आपका

सिर्फ एक मेम्ब्रेन है जो कि आपकी कहला रही है सेल मेम्ब्रेन मेंब्रेन यहां पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है तो इंक्लूजन बॉडीज जो है इट इज अ वेरी स्पेसिफिक फीचर ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल अब जो मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो सकती है अंदर और क्या बना सकती है मीजोजोम ये हमने देख लिया है ना तो मीजोजोम क्या है इनफोल्डिंग थी आपके सेल मेम्ब्रेन की और अलग अलग प्रकार से इनफोल्ड हो रही थी या आपका ट्यूब के फॉर्मेट में भी फोल्ड हो रही थी यह आपका वैसाइकल यानी गोलमटोल फॉर्मेट में भी फोल्ड हो रही थी और यह आपका लेमेलर फॉर्मेट में भी फोल्ड हो रही थी है ना तो आप इसे क्या कह सकते हो ट्यूब्यूल वेसाइकल और आप क्या कह सकते हो लेमेली है ना ट्यूब्यूल वैसाइकल और लेमेली तीनों तरीके से आपकी मिजोजोम जो है इनफोल्ड हो सकती है जो हमने यहां पर बना ली है तीनों की तीनों चीजें राइट दीज आर प्रेजेंट ओवर हियर अब थोड़ा सा यहां पर देखिए आपको दो और चीजें समझनी है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या है 10 से 20 माइक्रोन टिपिकल बोला है लेकिन थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर यूकेर जो है इससे बड़े भी हो सकते हैं 10 से 100 माइक्रोन आप एवरेज लिख सकते हो टिपिकल बोला जाए ज्यादातर आपके किस रेंज में आएंगे आपके 10 से 20 माइक्रोन में आ जाएंगे आप टिपिकल बैक्टीरिया का देखो तो एक से दो माइक्रोन आपका टिपिकल है लेकिन आपके कुछ बैक्टीरिया दस माइक्रोमीटर तक के साइज में भी आ सकते हैं तो एक से दस में आपके ज्यादातर बैक्टीरिया आ जाएंगे पीपीएलओ जो कि एक टाइप का ही है इसका साइज 0.1 माइक्रोन है जबकि मेन की, की लेंथ क्या थी 0.3 माइक्रोन थी तो कंफ्यूज नहीं होना है पीपीएलओ पूछेंगे तो 0.1 लिखेंगे हम लोग माइक्रोप्लाजमा पूछेंगे 0.3 लिखेंगे वायरसेस का साइज आपका माइक्रोप्लाजमा से भी बहुत छोटा है पॉइंट माइक्रोन यानी अगर आप देखेंगे तो माइको प्लाज्मा से भी दस गुना छोटे हैं लेकिन ये आपके नॉन लिविंग है इसीलिए इसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हम लोगों ने नहीं बोला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइको को ही बोला क्योंकि वायरसेस लिविंग है ही नहीं हम तो इन्हें लिविंग कंसिडर करते ही नहीं राइट सो दैट्स वाई यहां पर इनका साइज कम होने के बावजूद भी इनको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नहीं बोला गया बिकॉज दे आर नॉट लिविंग एट ऑल करेक्ट है दोस्त अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का अब प्रोकैरियोटिक सेल में आपको और भी कई चीजें देखने को मिलती हैं जैसे इनके ऊपर पाया जाता है सेल तो सेल है सेल सेल तो ये जो आपका तीन लेयर से मिलकर के बना होगा तो इन तीनों लेयर्स को एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं तो सेल एनवेप अगर आप देखोगे तो सबसे अंदर क्या पाया जाएगा किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा आपको एक मोटा सा कोट देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो इन तीनों के नाम आप लिख लीजिए ये तीनों के तीनों मिल करके क्या बनाते हैं सेल एनवलप बनाते हैं ये आपका क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन? आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की साइड पाई जाती है और इसके बाहर पाई जाती है आपकी सेल वॉल ये बात हमें पता है सबसे ऊपर यहां पर एक लेयर पाई जाएगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे ग्लाइको कहेंगे इसको हम लोग ग्लाइको कहेंगे नाम को तोड़ने की कोशिश करिए ग्लाइको ग्लाइको का मतलब क्या होता है ग्लाइको का मतलब होता है शुगर ग्लूकोज से रिलेटेड शब्द है यह एंड कैलिक्स का मतलब क्या होता है कैलिक्स का मतलब होता है कोट तो अगर ये कोट है तो क्या सबसे बाहर की साइड पाया जाएगा यस yes, तो ग्लाइको सबसे बाहर की साइड पाई जा रही है एकदम पाई जा रही है इनका काम क्या है अगर आप देखोगे तो ये तीनों लेयर्स जब मिल जाएंगी तो सेल के ऊपर ये तीनों लेयर्स पाई जा रही हैं तो क्या इनका म्यूचुअल काम होगा आपके प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना क्या म्यूचुअल काम होगा कि ये तीनों लेयर्स मिलकर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल को यस लेकिन इनके अलग अलग काम भी तो होते हैं इनके अपने अपने काम भी तो होते हैं जैसे ग्लाइकोकैलिक्स का जो काम है इसका मेन काम क्या है टू एस्केप होस्ट इम्यून सिस्टम लेट से कोई बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर घुस चुका है तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा और आप चाहोगे कि भैया आप उस अटैक से बच जाओ है ना मतलब देखो बैक्टीरिया है हमारे सेल के अंदर घुसा हम चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया मर जाए लेकिन बैक्टीरिया चाह रहा है कि वो अपने आप को बचा ले तो उसके ऊपर वाली जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने में हेल्प करेगी अगर आप यहां पर देखोगे सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होती है अंबुजा बनी होती है यानी रिजिड होती है तो क्या ये आपको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करके देगी यहां पर प्रोवाइड yes, शेप है ना प्रोवाइड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहां पर प्रोवाइड करके देगी जबकि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहां पर क्या होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली सिलेक्टिवली परमिएबल होती है यानी कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी कौन डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर परमिएबल मतलब ये चीजों को आने जाने का मौका दे रही है सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही आने जाने का मौका दे रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड देयर फोर इट इंटरैक्ट्स विद द आउटर वर्ल्ड बाहर से कौन सी चीज अंदर आएगी अंदर से कौन सी चीज बाहर जाएगी ये कौन डिसाइड कर रहा है ये आपका डिसाइड कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट आउटर वर्ल्ड तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें ये नहीं सोचना है कि सर आउटर लेयर तो आपकी सेलवॉल और ग्लाइकोकैलिक्स है तो एनसीआरटी में प्लाज्मा क्यों लिखा हुआ है कि इट इंटरेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाहर की आउटर वर्ल्ड की कौन सी चीज अंदर आएगी और अंदर की कौन सी चीज आउटर वर्ल्ड में जाएगी ये कौन डिसाइड कर रहा है मेन प्लाज्मा मैमब्रेन क्योंकि सेलवॉल ज्यादातर केसेज में परमियबल होती है बहुत अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको सेल वॉल रोकेगी अदरवाइज इट इज मोर और लेस परमिएबल ज्यादातर छोटी मोटी चीजों को ये अंदर आने देती है कोई दिक्कत नहीं कॉज करती दैट्स so, वाई यहां पर आपको बेसिकली कोई टेंशन नहीं देखने को मिलती चीजें अंदर आ सकती है बट परमिएबिलिटी का इश्यू कहां पर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है तो so, अगर आप देखें यहां पर लिखा हुआ इन पॉइंट्स को तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में और जनरली बैक्टीरिया के अंदर आपका तीन लेयर का कॉम्प्लेक्स सेल देखने को मिलता है तो तीनों लेयर जो है आपकी बढ़िया तरीके से टाइटली एक के ऊपर एक बाउंड होती है सबसे बाहर वाली जो लेयर थी आउटर मोस्ट क्या बनाई हमने ग्लाइकोकैलिक्स शुगर की बनी हुई लेयर देन हम लोगों ने बीच में बनाई क्या आपकी सेल वॉल एंड देन सबसे अंदर हमने क्या बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन ठीक है अब ये तीनों के तीनों मिलकर के एक प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं क्योंकि इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल की रक्षा करनी है लेकिन ये जो इंडिविजुअल लेयर्स हैं ये अपना अपना काम भी बकायदा अच्छे तरीके से करती हैं। अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल जो है ये यहां पर क्या काम कर रही है सेल वॉल आपका एक पर्टिकुलर सेल को शेप देने का काम करती है क्योंकि ये रिजिड है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो शेप और स्ट्रक्चर देना किसका काम है सेल वॉल का और इसके साथ साथ बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से यानी कोई चीज अगर अंदर एंटर कर रही है तो फट जाने से या अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो कोलैप्स होने से रोक रही है सेम बात है दोस्त अगर आपका सेल वॉल एक सेल को स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है तो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका एक सेल को स्ट्रक्चर प्रदान किया जा रहा है तो आपका यहां पर क्या बात कह सकते हैं आप कि सेल की शेप

मिलता है यह इनके इंडिविजुअल काम है सेल वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोकैलिक्स का मैंने आपको लिखा ही दिया है कि ये आपका होस्ट के इम्यून सिस्टम को आपका ब्रीच करने का काम करेगा यहां पर देखिए बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स में आपका बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप है ना इनका सेल एनवेलप कैसा है इस बेसिस पे बैक्टीरिया को दो प्रकार से डिवाइड किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक बार इस चीज को आराम से समझेगा लेट से आपका एक बैक्टीरिया है कुछ इस प्रकार का और आपका एक बैक्टीरिया है इस प्रकार का ठीक है दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज लेट से ग्राम पॉजिटिव दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस ग्राम नेगेटिव ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ठीक है अब इन दोनों में फर्क क्या होता है दोस्त जब आप कोई पर्टिकुलर स्टेन या कोई पर्टिकुलर डाई यहां पर डालेंगे जब आप कोई पर्टिकुलर स्टेन या कोई पर्टिकुलर डाई यहां पर डालेंगे और उसके बाद आप धो भी देंगे अगर इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को तो भी ये पर्टिकुलर स्टेन जो है ये आपका इस सेल you एनवेलप know, के अंदर घुस चुका होगा तो दिस स्टेन इज रिटेन ये स्टेन जो है इसको रिटेन किया जा सकता है दैट्स वॉय इट इज ग्राम पॉजिटिव जबकि आप अगर यहां पर देखेंगे जबकि आप अगर यहां पर देखेंगे इन द सेकेंड केस तो अगर आपका ये स्टेन आपने यहां पर डाला है तो इट वोंट बी रिटेन्ड फ्टर वॉशिंग इट वॉन्ट बी रिटेन आफ्टर वॉशिंग अंदर तक नहीं जाता है इस सेल एनवे जैसे ही आप वॉश करेंगे ये stain आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा तो स्टेन को नहीं रिटेन कर पाया है आपका ये वाला बैक्टीरियम तो इसे क्या बोले हम लोग ग्राम नेगेटिव बोले यानी इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी इसकी कंडीशन एकदम ऐसी हो जाएगी एक सेकेंड दोस्त इसकी कंडीशन एकदम ऐसी हो जाएगी यहां पर कोई भी चीज इसने रिटेन नहीं करी ये अपना फ्री हो गया इस टेन से जबकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां पर आपका जो टेन है ये रिटेन है जहां पर भी आपने स्टेन डाला था ये आपका रिटेन है यह कहीं भी नहीं गया राइट दैट्स वाई इट इज ग्राम पॉजिटिव एंड दैट्स वाई इट इज ग्राम नेगेटिव तो आपका किस वजह से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं ये आपके बेसिकली सेल एनवेलप के डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं जो बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करके रखते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव और जो रिटेन करके नहीं रखते दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव करेक्ट ये आपको यहां पर देखने को मिलता है डिफरेंस अब आपको दो मेजर चीजें और पढ़नी है एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आराम से इन चीजों को सुनने की कोशिश करिएगा यहां पर आपको लूज शीत और स्लाइम लेयर देखने को मिल रही है तो ग्लाइको जो है यह आपके कॉम्पोजिशन में डिफर कर सकती है और मोटाई में डिफर कर सकती है यानी आपके सेल एनवलप की जो सबसे बाहर वाली लेयर थी ग्लाइको कैलिक्स ये आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती है अगर यह आपकी लूजली बाउंड है तो यह लूज शीत बनाएगी यानी स्लाइम लेयर बनाएगी और अगर यह आपकी मोटी है और बहुत टफ है तो ये आपकी क्या बनाएगी कैप्स्यूल बनाएगी यानी अगर आप यहां पर ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो लेट से दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन दिस इज योर सेल इसके ऊपर क्या है आपकी सेल वॉल ये है आपकी सेल वॉल यहां है आपकी सेल वॉल एंड इसके ऊपर है आपकी लूज लूज सी लेर की तो ये क्या बना रही है स्लाइम लेयर और आपकी बहुत मोटी अगर यहां पर टफ ये लेयर बना रही है तो इट इज कॉल्ड एज कैप्स्यूल है ना तो इट इज कॉल्ड एज कैप्स्यूल यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या बना रही है स्लाइम लेयर बना रही है इट इज कॉल्ड एज स्लाइम एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या बन रहा है टफ कैप्स्यूल बन रहा है तो अगर लूज तरीके से प्रेजेंट है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स तो स्लाइम लेयर या लूज शीथ ये बनाएगी और अगर एकदम टाइट है टफ लेयर है तो ये आपका क्या बनाएगी कैप्सूल बनाएगी जो इस तरीके से प्रेजेंट है करेक्ट नाउ इन प्रोकैरियोट्स अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज मीजोजोम इज फाउंड अब ये जो मीजोजोम है ये हमने बनाया था कि ये मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना है ये आपका गोलमटोल इनफोल्डिंग भी हो सकती है यानी वसाइकल भी या आपकी ट्यूब जैसी इनफोल्डिंग भी हो सकती है ट्यूबुलर भी एंड आपकी लेमली यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप की इनफोल्डिंग भी हो सकती है ठीक है ये किस किस चीज में हेल्प करते हैं मीजोजोम भाई सेल मेम्ब्रेन से ये आपके क्या हो रहे हैं जनरेट हो रहे हैं तो ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करेंगे भाई अगर मीजोजोम आपकी सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है तो क्या ये चीजों को क्या ये सामान को सेल वॉल बनाने के लिए ट्रांसफर कर सकती है हाथ की हाथ यस कर सकती है तो सेल वॉल यह बनाएगी डीएनए जब रेप्लीकेट होता है तो डीएनए की कॉपी बनना और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से कर पाना भी मीजोजोम करती है कैसे करती है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा एंड आपका रेस्पिरेशन जैसा मैंने आपको बताया था एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड एम फॉर मीजोजोम तो सरफेस एरिया यहां पर बढ़ा देती है आपकी मीजोजोम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सो दैट्स वाई रेस्पिरेशन यानी एटीपी प्रोडक्शन में भी काम करती है सिक्रीशन भी करती है क्योंकि यहां पर वेसाइकल भी बन रहे हैं ना तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी मीजोजोम कर सकती है एंड सरफेस एरिया जैसा हमने बढ़ाया यहां पर तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ज्यादा अच्छे रिएक्शन यहां पर हो पाते हैं ठीक है तो यहां पर अब एक बार मीजोजोम को देखिए कि यह काम क्या क्या करता है लेट्स ट्राइ टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्लियरली देखिए ये आपका मीजोजोम है जो कि ट्यूब्यूल वेसाइकल और लेमेली की फॉर्मेट में पाया जा सकता है आपको पता है अच्छे तरीके से एंड यहां पर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने और एक्सटेंड कर दी इसके ऊपर हमने क्या बना दी इसके ऊपर हमने क्या बना दी सेल वॉल बना दी इसके ऊपर हमने सेल वॉल बना दी अब देखिए क्या हुआ यहां पर यह जो वेसाइकल है ये क्या सिक्रीशन में हेल्प नहीं करेगी बिल्कुल करेगी Decretion में हेल्प मतलब कोई भी चीज अगर आप सेल के अंदर ले रहे हैं तो आप वेसाइकल बना करके उसे सेल के अंदर लेते हैं और अगर कोई चीज आप सेल के बाहर भेजना चाहते हैं तो भी वेसाइकल के फॉर्मेट में ही बाहर भेजते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको दो डायग्राम्स बना करके बता देता हूं ये आपका एक सेल है एंड ये बाहर कोई चीज प्रेजेंट है खाने पीने की एंड एलेट से आप इस खाने पीने की चीज को एंगल्फ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप ये जो खाने की चीज है आप ये जो खाने की चीज है इसके पास अपनी मेम्ब्रेन पहुंचाएंगे एंड क्या करेंगे इसको एंगल्फ करने की कोशिश करेंगे ठीक है इसको एंगल्फ करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे आप इस मेम्ब्रेन को इस सब्सटेंस के चारों ओर फैला लेंगे इस तरीके से और ये सामान क्या आ जाएगा हमारे सेल के अंदर आ जाएगा तो इस टाइम पर भी ये गोल सा मेमब्रेन का स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग बेसिकली वेकल कहते हैं तो चाहे चीजों को अंदर लाना हो चाहे चीजों को बाहर भेजना हो अगर एक सेल है और उससे मैं किसी चीज को बाहर भेजना चाह रहा हूं तो ये एक सेल है इसके अंदर ये वाला मटेरियल पड़ा हुआ है तो व्हाट आई विल डू यहां पर ये जो मेरी मेमब्रेन है ये काफी फ्लेक्सिबल है इससे मैं क्या करूंगा इससे मैं इस पर्टिकुलर मटेरियल को कोट कर दूंगा इस तरीके से एंड बाहर की साइड धक्का मार दूंगा तो ये वसाइकल बाहर की साइड निकल जाएगी है ना इस प्रकार से ये वसाइकिल बाहर की साइड इस मटेरियल को धक्का मारेगी एंड आपका ये वसाइकल चीज को लेकर के बाहर चली जाएगी और यहां पर इस चीज को लेकर के अंदर आ रही है राइट right? तो चाहे किसी भी चीज की एंगल्फिंग हो चाहे भी किसी चीज को बाहर भेजना हो ये जो सिक्रीशन का प्रोसेस है ये आपका कौन करती है? करती तो तो क्या क्या पर पर ये सिक्रीशन में हेल्प करेगी? करेगी। बिल्कुल दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो सरफेस एरिया बढ़ा देती है जैसे अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो वहां पर क्रिस्टा अवेलेबल होती है इनर मेमब्रेन पे जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है तो क्या ज्यादा रेस्पिरेशन होता है बिल्कुल होता है यस ज्यादा रेस्पिरेशन होगा आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ साथ ही सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत सामान सेल वॉल के बनाने के लिए भी ऊपर भेज देगी यस yes, तो क्या सेल वॉल फॉर्मेशन कर लेगी बिल्कुल कर लेगी हाथ की हाथ सामान भेज देगी सेल वॉल फॉर्मेशन कर लेगी एंड यहां पर आपका अगर डीएनए है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं अगर आपका डीएनए बन रहा है यहां पर ये एक सेल है अगर यहां पर डीएनए बन रहा है उसकी कॉपीज हो रही हैं तो इन कॉपीज को सेल के अलग अलग कॉर्नर्स पर ले जाने का काम भी कौन करेंगी आपकी मीजोजोम करेंगे इसलिए डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहां पर करी गई है ये जो डीएनए है ये मीजोजोम जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं तो ये इस साइड और इस साइड जा सकते हैं तो सेल के अलग अलग कॉर्नर्स पे आपके इन डीएनए को लेकर जाने का काम जो है डीएनए ए रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कौन कर सकते हैं मीजोजोम्स कर सकते हैं डीएनए रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये आपके कर सकते हैं करेक्ट है तो इन्हीं सारी चीजों को एक बार दोबारा से देखो एनसीआरटी में क्या क्या काम ये कर सकते हैं लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट अगेन क्या ये आपका डीएनए एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मिजोजोम कर देंगे क्या ये आपका रेस्पिरेशन करेंगे माइटोकॉन्ट्रिया की तरह कर देंगे सिक्रीशन प्रोसेस व साइकिल बना रहे हैं तो कर देंगे सरफेस एरिया बढ़ा देंगे एकदम सही बात है इसी के अलावा अगर आप देखें तो मेमब्रेन इनफोल्ड होकर के क्रोमेटोफोर भी बना सकती है क्रोमेटोफोर में क्रोमा वर्ड आ रहा है यानी यह क्या करेंगे पिगमेंट कंटेन करेंगे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम के अंदर यहां पर देखिए यह आपके क्रोमेटोफोर्स भी बना रहे थे है ना क्रोमेटोफोर्स भी आपके बना रहे थे जहां पर पिगमेंट्स आपके एसोसिएटेड थे तो मीजोजोम भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है और क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज भी थी जो कि खाने पीने के मटेरियल को स्टोर कर रही थी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइट तो बैक्टीरिया अगर आप देखोगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये मोटाइल भी हो सकते हैं नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं अगर ये मोटाइल है अगर ये चल फिर सकते हैं तो इनमें क्या पाए जाएंगे इनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन पाए जाएंगे यानी इनकी सेल मेमब्रेन बाहर की साइड निकलेगी एंड क्या बनाएगी फ्लैजला बनाएगी अब एनसीआरटी में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अगर आप देखेंगे तो एनसीआरटी में लिखा हुआ है आपके सामने की तीन फिलाेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल अब यहां पर एनसीआरटी आपके साथ थोड़ा सा मजाक करती है फ्रॉम देयर सेल वॉल बोला है ऑफ देयर सेल वॉल नहीं बोला From their cell wall का मतलब क्या है ग्रामेटिकली घुसो इस चीज के अंदर भाई ये आपका प्लाज्मा में एक स्ट्रक्चर है यह जो प्लाज्मा में हम लोगों ने क्या कर दी इसकी हम लोगों ने एक्सटेंशन कर दी और यहां से निकाल दिया फ्लैजला ठीक है और इसके ऊपर क्या लगी हुई है सेलबॉल दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लैजला अगर आप यहां पर देखोगे तो एक्सटेंशन किसकी हुई एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन किसकी हुई एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड किसको इसने चीरा किसको इसने ब्रीच किया सेल वॉल को इसने ब्रीच किया सो इट हैज ब्रीच द सेल वॉल तो एक्सटेंशन हुई ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और निकली किससे पाड़ कर किसको गया ये फ्लैजला आपका फ्रॉम सेल वॉल तो दोनों बातें करेक्ट है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम सेल वॉल निकली है आपकी प्लेजिला की फिलामेंट तो वो बात एकदम करेक्ट है लेकिन एक्सटेंशन हुआ किसका ऑफ द प्लाज्मा किससे बना है आपका फ्लैजला एक्चुअल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से cell wall से नहीं वॉल को सिर्फ क्रॉस करके ये बाहर की साइड गया है तो इस बात में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप आगे पढ़ेंगे यू नो यूकैरियोटिक सेल में तो आप वहां पर जब फ्लैजला देखेंगे तो एकदम सही लाइन लिखी हुई है कि एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्रेन वहां पर बताया गया है करेक्ट है तो दोनों जगह पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर देखिए बैक्टीरिया शो अरेज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला और इसके तीन पार्ट होते हैं तीन अलग अलग पार्ट है आपके फ्लैजलम के जो आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहला पार्ट जो है यह आपका बेजल बॉडी

दिस इज द प्लाज्मा मेमब्रेन जो आपको एक्सटेंड होकर के प्लेजला बनाती हुई दिख रही है और इसके ऊपर क्या है आपकी सेलवॉल अवेलेबल है इसके ऊपर आपकी सेलवॉल अवेलेबल है अगर आप यहां पर देखें देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द बेस ऑफ प्लेजला इज कॉल्ड एज बेजल बॉडी भाई बेस थोड़ा मोटा होना चाहिए अगर आप बाल का भी स्ट्रक्चर देखते हैं आपने एड में बाल जरूर देखा होगा तो कुछ इस प्रकार की आपकी हेयर की रूट दिखाई जाती है भाई अगर आपका बाल ऐसा सीधा होता तो कोई भी आपके बाल खींचता और बाल निकल जाते लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाल नीचे से मोटे होते हैं तभी तो जब आप अपने बाल खींचते हो तो ये उखड़ते नहीं है क्योंकि नीचे से इनमें क्या है एक रूट है जो बहुत मोटी है करेक्ट तो सिमिलरली यहां पर ये यह फ्लैजला जो है इजीली उखड़ता नहीं है क्योंकि इस पे क्या है एक अच्छा खासा मोटा सा बेस है एंड अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो इस बेस के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है हुक देखने को मिलता है राइट right? इस बेस के ऊपर आपको हुक देखने को मिलता है एंड सबसे बड़ा पार्ट जो है आपको क्या देखने को मिलता है फिलामेंट देखने को मिलता है तो इट इज दल बॉडी दिस इज द हुक एंड दिस इज दिला होते हैं आपके किसके फ्लैजला के और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह है आपकी सेल वॉल और यह जो है यह है आपकी सेल मेमब्रेन जिसकी एक्सटेंशन से आपका यह फ्लैजला तैयार हो रखा है करेक्ट चलिए तो यह सारी बातें आपकी अभी तक क्लियर हो चुकी है तो लार्जेस्ट पोर्शन क्या है आपका

आपका डीएनए जो ट्रांसफर करेगी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या कह रहे थे इसको हम लोग पिलाए कह रहे थे और ये एक स्पेशल प्रोटीन की बनती है जिसे हम क्या कहते हैं पिलिन प्रोटीन कहते हैं पिलाए है तो किस प्रोटीन की बन रही होगी इनिशियल चार अल्फाबेट्स आपके सेम है पिलिन प्रोटीन की बन रही होगी अब ये आपका चलने फिरने में तो मदद नहीं करती ये तो आपका एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है तो ये आपका चलने फिरने में मदद नहीं करती इट डो नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी ये तो आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी पिलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है जो कि डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करती है अदर देन दैट आपके फिम्बरे जो है यह भी आपके चलने फिरने में हेल्प नहीं करते ये आपके ब्रिजल लाइक -like फाइबर्स हैं, जैसे आपके टूथब्रश से ब्रिजल्स निकले हुए होते हैं ऐसे छोटे छोटे फाइबर हैं, जो बैक्टीरिया को कहीं अटैच करने में हेल्प करते हैं यानी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं तो अगर बैक्टीरिया को किसी पत्थर के ऊपर बैठना है अगर वो किसी पानी के झरने में रहता है या कहीं पानी वाटर बॉडी के आसपास रहता है तो उसको पत्थर पे अगर बैठना है या अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया घुस चुका है और उसको हमारे टिश्यूज से हमारे ऑर्गन से चिपकना है तो यहां पर कौन हेल्प करता है इनके चिपकने में बेसिकली फाइबर्स हेल्प करते हैं जिनको हम कहते हैं फिम्बरे तो पिलाए और फिम्बरे भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं बट इनका कोई खास रोल नहीं होता मोटिलिटी के अंदर चलने फिरने में इनका कोई रोल नहीं होता राइबोसोम्स कैसे होते हैं हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यहां पर देखिए प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है इनका साइज क्या होता है पंद्रह से 20 नैनोमीटर के आसपास नैनोमीटर यानी टू नाइन मीटर एंड यहां पर सेवेंटी तो और सब सब यानी 50 और 30S यहां पर पाई जाएंगे अगर आप देखेंगे तो राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे थे क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं पॉलीराइबोसोम बनाकर या पॉलिसोम बनाकर क्या होता है आपके सेंट्रल डॉगमा में यानी प्रोटीन कैसे बनते हैं आपके शरीर के अंदर ये देखने की कोशिश करिए आपको पता है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए है आपको पता है आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो ऐसा दिखाई देता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये डीएनए जो है ये सबसे पहले क्या करता है आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड में तो डीएनए जिस टाइम पर आरएनए में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और अगर आप देखें तो ये जो आरएनए है आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है ये आरएनए आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं यह जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसलेशन इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं ठीक है दोस्त लेकिन ये आरएनए प्रोटीन में इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होता क्या करना पड़ता है हमें यहां पर प्रोटीन फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं यानी इसके ऊपर हमें क्या बैठाने पड़ते हैं राइबोसोम्स बैठाने पड़ते हैं वो भी खूब सारे तो यहां पर ये जो आर एन ए है इसके ऊपर क्या करेंगे राइबोसोम्स बैठेंगे इस प्रकार से आपके राइबोसोम्स जो है ये यहां पर बैठेंगे तो काफी सारे राइबोसोम्स आप यहां पर बैठा सकते हो काफी सारे राइबोसोम्स आप यहां पर बैठा सकते हो तो बहुत सारे राइबोसोम है बहुत सारे मतलब पॉली एंड राइबोसोम है तो क्या हो गया पॉली राइबोसोम है ना तो यहां पर क्या हो गया आपका पॉली राइबोसोम हो गया पॉली राइबोसोम हो गया करेक्ट तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेयर अलॉट ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड अलॉट ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच टू द आरएनए मॉलिक्यूल इसको हम लोग क्या कहते हैं बहुत सारे आपके राइबोसोम मॉलिक्यूल हैं तो इट इज कॉल्ड एज पॉली राइबोसोम और इट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम एक ही बात है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनेंगे और उसके बाद यहां पर इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है तो ये क्या करेंगे अच्छे तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे और आपका प्रोटीन तैयार हो जाएगा सो दैट्स हाउ polysome इज formed और polyribosome इज formed। इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज आपको पता है कि रिजर्व मटेरियल या फूड मटेरियल स्टोर करती है कोई और चीज आपका स्टोर करती है तो आपका एक गुच्छा बन जाता है मटेरियल्स का क्या क्या स्टोर कर सकती है ये? आपका फॉस्फेट अगर स्टोर कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल बहुत सारे फॉस्फेट पार्टिकल साथ में आ जाएंगे भाई अगर ये पिगमेंट स्टोर कर रही हैं तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल जैसे साइनो में आपका बेसिकली क्या कर रही थी ये साइनोबैक्टीरिया जो है या आपका जो ब्लू ग्रीन एलगी है उसमें सायान यानी ब्लू कलर का भी आपका पिगमेंट पाया जाता है तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल जो है अलग अलग पिगमेंट स्टोर करते हैं अगर ग्लाइकोजन ये स्टोर कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो पाई नहीं जाती आपके प्रोकैरियोट में सो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन ये आपकी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती ये आपकी एकदम फ्री रहती है और इसके अलावा अगर आप देखें तो गैस वैक्यूल आपको कहां पर देखने को मिलते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया यानी आपका साइनो बैक्टीरिया में एंड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं नाम ही है आपका यहां पर गैस वैक्यूल तो क्या प्रोवाइड करेंगे बायसी प्रोवाइड करेंगे यानी पानी में रहने वाले जो आपके बैक्टीरिया होंगे उनको बोयंसी प्रोवाइड करेंगे तैरने में हेल्प करेंगे दिस इज दर्पज ऑफ गैस वैक्यूल जो ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपके पाए जा रहे होंगे करेक्ट तो अगर आप देखें तो दिस इज अ फ्लो चार्ट इसको हम लोग खराब नहीं करेंगे इसको आराम से थोड़ा देख संभल कर हम लोग पढ़ते हैं प्रो सेल में आपके सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है सेल एनवेलप प्रेजेंट है सेल एनवेलप की तीन लेयर सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स है ना जो कि आपकी लूजली अगर बाउंड है तो स्लाइम लेयर बनाएगी और टाइटली अगर बाउंड है थिक अगर प्रेजेंट है तो कैप्सूल बनाएगी अगर आप बात करें सेल वॉल की तो यह शेप प्रदान करेगी किसी भी सेल को और अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है यह मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने की इजाजत देती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर क्रोमेटोफोर बना सकती है जो पिगमेंट कंटेन करेंगे, करेंगे तो में हेल्प करेंगे तीनों फॉर्मेट हमने बनाकर देखे काम क्या है मीजोजोम के भाई पास पाई जा रही है तो सेलवॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी भाई डीएनए के फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन

जो चोटी की तरह एक्सटेंड हो रहा होगा लार्जेस्ट पार्ट दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर फिलामेंट। तो ये आपका एक ओवर ऑल ओवरव्यू हो गया अभी तक जितने पार्ट हमने पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक सेल में उसका यहां तक कितने स्टूडेंट्स को सारी बात समझ में आ चुकी है एक बार फटाफट पत, थम्स अप या लाल कलर का दिल उड़ा दीजिए इन द चैट सेक्शन फटाफट बता दीजिए कितने लोगों को बात समझ में आ चुकी है एक बार कराते हैं आपको एक्टिव रिकॉल अभी तक जो पढ़ा है आंखें बंद करके सारी बात अपने दिमाग में डालने की कोशिश करिए। एक्टिव रिकॉल मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है सब का सब आपके दिमाग के अंदर एक एक पॉइंट याद करने की कोशिश करिए भाई सेल क्या होता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर निर्धारित रूप से बना है वो किसने बनाया है सेल्स ने जुड़ जुड़कर बनाया है उसके बाद हमने देखा कि दो टाइप के हो सकते हैं एक एक अगर है तो उसमें एक ही सेल पाया जाएगा वही सारे के सारे काम करेगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी सारे फंक्शंस भी बढ़िया तरीके से कर सकता है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत अच्छी बात है उसके पास हर काम को करने के लिए कुछ सेल्स होंगे फिर हम लोगों ने एंट्री मारी अपने

उन्होंने देखा कि एक सेलवॉल नाम की लेयर भी पाई जाती है जो कि उनका यूनिक कैरेक्टर है ठीक तो है साथ मिलकर बोला तैयार हो रहे हैं नए सेल्स कैसे बन रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो रुडोलो साहब ने आपका में बात कही कि सेलुला, सेलुला, नए सेल्स जो है पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं और सेल थ्योरी हमारी कंसोलिडेट हो गई फिर हम घुसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे ऊपर क्या है एक सेल एनवलअप है जिसमें तीन लेयर है सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स जो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया की रक्षा करती है बीच वाली वॉल वाल जो कि रिजिड होती है तो आपका शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाती है आपके बैक्टीरियल सेल को और सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली होती है तो चीजों के आदान प्रदान तो में इसका मैक्सिमम रोल होता है ये जो plasma membrane है ये ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड भी हो सकती है और क्रोमेटोफोर भी बना सकती है जो कि पिगमेंट कंटेन करेंगे एज वेल एज ये आपका मिजोजोम भी बना सकती है जो ट्यूब्यूल लेमली और वेसाइकल के फॉर्मेट में पाए जा सकते हैं जिसका मेन काम क्या है सेल्वॉल के पास है तो सेल्वॉल की सिंथेसिस इसके साथ साथ वेसाइकल बना रही है तो सिक्रीशन रेस्पिरेशन का काम कर सकती है डीएनए की रेप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती है ये सारी चीजें कर रहा होगा अंदर आपका नेकेड नंगा पुंगा सा क्या पाया पाया जाएगा जाएगा न्यूक्लियोइड क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर है नहीं लेकिन सारा डीएनए एक साथ नहीं पाया जाता कुछ डीएनए अलग से छोटे सर्कुलर टुकड़ों में भी पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मेट कहते हैं जो यूनिक फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा होता है आपके बैक्टीरियल सेल को जैसे कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस

कहा जाता है ये यहां तक की आपकी पूरी की पूरी कॉन्क्रीट डिस्कशन है I hope आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको एमसीक्यूज कराता हूं पिछले पांच साल के सारे पीवाई क्यूज आपको मिलते हैं अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं सब में पीवाई क्यू हुए हैं आप चाहो तो देख सकते हो स्लाइड नंबर सेवेंटी टू से लेके स्लाइड नंबर एट्टी सेवन तक है ना पिछले पांच साल में जो पंद्रह एमसीक्यू आए हैं सारे के सारे यहां पर मौजूद है ना प्रणव नींद नहीं आ रही है सो तो जाओ दोस्त थोड़ी देर मैथ पढ़ने की कोशिश करो फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करो बढ़िया नींद आ जाएगी है ना सर फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगी क्या बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगी देर इज अ वेरी स्मॉल अपडेट दैट आई वॉन्ट टू शेयर मैं माफी चाहूंगा ऐसा पहली बार कर रहा हूं मैं अपनी क्लास के अंदर बट करना पड़ेगा मगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं कैसे बोलूँ <laughs> मैं सोच रहा था कि ना स्टार्ट हो ना स्टार्ट हो बट वन फिफ्टीन पे यहाँ पे मेंटेनेंस का कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा इन सोसाइटी तो ड्रिलिंग की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी और आधे घंटे काम चलेगा तो लेक्चर जो है इसको हॉल्ट करते हैं कल फ्रेश तरीके से हम लोग यू कैरिक सेल को स्टार्ट कर लेंगे इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू सीक योर परमिशन बिकॉज मेरा इस पूरे चैप्टर को एक शॉट में कंप्लीट कराने का बहुत मन था लेकिन थोड़ी सी कुछ रेस्ट्रिक्शन कभी कभी आ जाती हैं पहली क्लास है हमारा जिसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल्सो प्रोकेर सेल इसीलिए थोड़ा सा हमने अभी कंप्लीट कर लिया है यू सेल पता लगा हम स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में खत्म नहीं हो पाया तो वही बात है कि कल दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारी तीन दिन लगातार क्लासेस है आज भी हमारी क्लास थी आज हमने प्रोकेरटिक सेल पढ़ा कल भी मेरी क्लास है कल हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे परसों भी मेरी क्लास है जिस दिन हम सेल साइकिल सेल डिवीजन कर लेंगे तो कोई टेंशन है नहीं आप इजीली चीजों को समझ पाएंगे तीनों चीजें सीक्वेंस में चल पड़ेंगी है ना और मुझे लगता है आपका थोड़ा बैकलॉग भी है तो आपको क्लियर करना चाहिए हालांकि मैं कितनी भी सफाई दे लूँ ये चीज मैं यू नो छुपाना नहीं चाहूंगा कि गलती किसी की भी नहीं है बट आई टेक इट ऑन मी क्योंकि आप लोगों का जो सीरियसली पढ़ने आए थे उनको दो सवा दो ढाई घंटे की ही क्लास मिली है सो इट्स नॉट राइट बट आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तब क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आती है मैंने ट्राई किया कल भी शाम को काम चला था तो उतनी आवाज में नहीं पढ़ पाऊंगी आप लोग और ना मैं पढ़ा पाऊँगा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ ड्रिल तो कल से प्रॉब्लम होगी नहीं है ना दोस्त एनसीआरटी अगर आप पढ़ोगे इट्स मोर देन इनफ मैं जो पढ़ा रहा हूँ इट इज मोर देन मोर देन इनफ आप टेंशन मत लीजिए जो डेटा आपको दिया जा रहा है जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो बहुत अच्छी है क्लास कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है बिकॉज यू नो भी कभी तबीयत खराब हो जाती है कभी थोड़ी एनर्जी डाउन होती है ऐसा 20, 25, 50 में से एक क्लास में कभी हो जाता है लेकिन जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्योरली सुप्रीम इस कंटेंट से बाहर सवाल नहीं उछलेगा ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं है ना चलिए चलिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लॉर्ड्स ऑफ लव मिलता हूं आपसे कल सेम टाइम पे और कल इस चैप्टर को आराम से पूरा करेंगे थोड़ा बड़ा भी है ये चैप्टर इसमें अभी देखें तो हम लोग थर्टी थर्ड स्लाइड पे हैं और आप अगर देखेंगे यहां पर then there are around 80 plus slides, तो आपको लगभग तीन चार घंटा और लगेगा तो कल इसको आराम से हम लोग कंप्लीट कर देंगे ऑल राइट चलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लॉर्ड्स ऑफ लव जय हिंद बाय बाय कैटिक सेल हम लोग कल जो है वो स्टार्ट कर देंगे राइट थैंक यू